आता है कीवर्ड ट्रैकर, ये आपकी तमाम ट्रैकिंग रख रहा होता है कि जी डेली बेसिस पे ऑर्गेनिकली और स्पॉन्सर्ड वे में आपको कितनी इस पे फाइंडिंग मिल रही है, आपका प्रोडक्ट इस पे इंडेक्सिंग में कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पे जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टूल्स यूज होते हैं, एक Helium 10, ठीक है। Helium 10 हमारे पास तकरीबन हर प्रोडक्ट रिसर्च में हमारे पास यूज होता है, ठीक है। हम कभी भी कोई भी रिसर्च विदाउट Helium 10 कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि Helium 10 का जो सर्च वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिकली ऑन एमेजॉन बताता है कि ऑन एमेजॉन इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको कितनी रिसर्चेस मिली हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको Helium 10 का जो सर्च वॉल्यूम है ये तमाम चीजें बताता है, ठीक है। इसका एक फ्री वर्जन भी है आपके पास और पेड वर्जन भी है, तो स्टार्टिंग में आप लोग बेशक इसका फ्री वर्जन देखें। प्रोडक्ट रिसर्च हमें सिर्फ और सिर्फ हम Helium 10 के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, कि बाकी कीवर्ड्स सॉरी बाकी टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप Helium 10 से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी इवेल्युएशन अपने प्रोडक्ट की आप किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें इसके लिए हमें कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। उसके बाद हम Helium 10 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लीज माइक आप म्यूट कर लें अपना, किसी को माइक अन। अच्छा, ये जी हमारे पास हमारी टारगेटेड कैटेगरीज हैं जिन पे हम रिकमेंड करते हैं कि हमें इन प्रोडक्ट्स पे, इन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट निकालना है। ये हमारी अनगेटेड कैटेगरीज हैं, ठीक है। गेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं? कोई भी प्रोडक्ट्स जिनके इवेंचुअली कोई ना कोई अफेक्ट हो सकता है आपको, ठीक है, तो वो आपकी गेटेड कैटेगरी में आती हैं। लेट्स से ब्यूटी, लेट्स से आपकी कोई भी केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी आएंगी वो आपकी गेटेड कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। और उनको आपको स्पेसिफिकली अनगेट करना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ऑफिशियली अमेजोन पे। लेकिन ये वो कैटेगरीज हैं इनके लिए आपको कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिक्वायर्ड। आप डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स पे, इन कैटेगरीज पे आकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी टारगेटेड कैटेगरी आ जाती है वो है जी हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग सबसे ज्यादा चलने वाली दो कैटेगरीज अमेजोन पे बल्कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में सबसे ज्यादा होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। ये एवरग्रीन रहती हैं क्योंकि कोई भी उसमें जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो किचन यूज या फिर होम यूज की होती हैं, तो वो ऑल द टाइम आपकी रनिंग चलती हैं, ठीक है। उसमें कोई स्पेसिफिक ओकेजन नहीं आता, मोस्टली इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें जो कि ऑल द टाइम ग्रीन रहते हैं, ठीक है, ऑल द टाइम जिनकी डिमांड रहती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स, लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लायर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसमें पेट सप्लायर्स में हमारे पास जो फीड आ जाती है वो इंक्लूडेड नहीं है, पेट फीड, ठीक है, जिसमें आपके मतलब डिफरेंट कैट फीड आ गई, डॉग फीड आ गई, इस तरह की चीजें नहीं। लेकिन पेट सप्लायर्स में हमारे पास उनके कॉलर्स, उनसे रिलेटेड टॉयज, उनके डिफरेंट बाउल्स, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एडिबल्स हैं, जो कि ईटेबल्स हैं, उनको आप ऐड नहीं कर सकते जब तक आपके पास FDA सर्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टूल्स एंड हार्डवेयर, टॉयज एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं हमारी टारगेटेड कैटेगरीज में आती हैं, और इसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हम इसमें एडिट नहीं करते जिसमें आप कोई उसको एडिबल में कंसीडर करें, एज अ सप्लीमेंट कंसीडर करें, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आप अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे आप यूज कर रहे हैं जिसका कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट इन कैटेगरीज में भी एडेड नहीं है, ठीक है। तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स के अलावा तमाम चीजें जो है हमें ऑफिशियली सेलिंग अलाउड है, ठीक है। तो एक दफा ये कैटेगरीज हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप इन कैटेगरीज पे टारगेट करके आप प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अनगेटेड कैटेगरीज में जाएंगे तो यू रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस टू सेल ऑन अमेज़न, ठीक है, आपको सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, उसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं जी अमेज़न पर, ठीक है। जैसे हमारे पास वो टारगेटेड कैटेगरीज हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल
ऑफिस प्रोडक्ट्स, लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लायर्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स एंड हार्डवेयर, टॉयज एंड गेम्स. अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉयज जो होते हैं जी, वो हमारे गेटेड कैटेगरी में आता है. ठीक है, लेट्स से टॉयज फॉर वन ईयर ओल्ड बेबी. अगर आपके पास अगर उस टॉय की सर्टिफिकेशन नहीं है कि ये टोटली सेफ है जी, कोई चॉकिंग नहीं हो सकती, फिर अगर वो चाइल्ड अगर उस टॉय से प्ले कर रहा है और प्ले करते हुए जी उसको कोई हार्म ना हो, उसको किसी भी तरह से, अगर वो किसी अनअटेंडेड अगर खेल रहा है, कोई उसके पेरेंट उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे, अगर वो किसी एक रूम में बैठ के टॉय से खेल रहा है, तो चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो, कोई रिएक्शन का प्रॉब्लम ना हो, कोई इस तरह से सफोकेशन का प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह की कैटेगरीज भी हमारी अनगेटेड में आती हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी आपको गेटेड करवाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है. तो कुछ कैटेगरीज टॉयज में ऐसी होती हैं जो कि गेटेड आती हैं. ठीक है, स्पेसिफिकली जो लेस देन 5 ईयर्स चाइल्ड, जितने भी चिल्ड्रन के टॉयज होते हैं वो आपके गेटेड कैटेगरीज में आएंगे. हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आप कोई सप्लीमेंट या कोई ऐसी चीजें जो है वो एड अप नहीं करते इसमें, या कोई इस तरह के एनर्जी बूस्टर्स और इस तरह की चीजें आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी ऐड नहीं करेंगे जो आप एडिबल या इनटेक में ले रहे हैं. ठीक है, ये तमाम चीजें भी गेटेड कैटेगरी में आती हैं. इनके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है. सर्टिफिकेशन के बाद आप इन प्रोडक्ट्स को जो है फिर कर सकते हैं जी सेल ऑन अमेजोन. ठीक है, जो ये हमारी टारगेटेड कैटेगरीज हैं, इनमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. टॉयज जो है, हमारे काफी सारे टॉयज भी जो है वो गेटेड कैटेगरी में आते हैं, तो हमें उस चीज का जो है वो ख्याल रखना है कि अगर टॉयज हमारे स्पेसिफिकली किसी चिल्ड्रन नीश के हैं और उन टॉयज पे अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो उन टॉयज में ये सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद आप कर सकते हैं जी अमेजोन से. ठीक है, अच्छा, ये तमाम चीजें आ गई जी. हमें पता चल गया कि हमारे बेसिक टूल्स क्या हैं, हमारी टारगेटेड कैटेगरीज क्या हैं जिन पे हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. अब हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने अपना क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करना है. ये क्राइटेरिया आपने इस तरह से याद करना है कि रात को सोते हुए कोई हिला के पूछे आपको कि यूके का क्राइटेरिया क्या है, तो आप सोते सोते बोलेंगे जी ये क्राइटेरिया. ये इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, आपकी वर्किंग के लिए. ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन स्टिल ये जो क्राइटेरिया है ये मार्केट का एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है. कोई भी क्लाइंट इसके अगेंस्ट आपसे प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है. नॉर्मली जब आप किसी क्लाइंट को ये ऑफर करते हैं कि जी आई डू हैव अ प्रोडक्ट ऑन दिस क्राइटेरिया, ठीक है, तो नॉर्मली आपको $200 to $400 जो है वो पर प्रोडक्ट पे करता है. ठीक है, ये किस तरह से होता है कि जब आप अपनी लोकल मार्केट की भी बात करें, फेसबुक ग्रुप्स हैं आपके पास डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं बट दे डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स. ठीक है, दे डोंट नो व्हाट टू सेल ऑन अमेज़न, और उनको ये चीज नहीं पता. ठीक है, वो जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो दे डोंट गेट द राइट प्रोडक्ट, और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको इजीली प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. ठीक है, तो आपने इस क्राइटेरिया को इस तरह से याद करना है कि सोते हुए भी कोई हिलाए आपको और पूछे कि यूके यूएसए का क्राइटेरिया क्या है, तो आपने क्राइटेरिया फौरन से बोल देना है. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया आपके लिए. ठीक है, अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूएसए की बात कर रहे हैं. ठीक है, फॉरगेट ऑल मार्केट्स, हम सिर्फ और सिर्फ अभी जिस स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं जी, वो है यूएसए, यूएस के लिए. ठीक है, अब जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्लीज तमाम स्टूडेंट्स अपने नोटबुक पे, अपने नोटपैड पे, जहां पे भी आप अपना लेक्चर नोट करते हैं, ये अपने पास जो है वो नोट डाउन करें. आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $15 to $35 होनी चाहिए. ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट शुड बी $15 to $35. ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा. अगर आप इससे कम के प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो आपको जो रेवेन्यू बनेगा आपका वो बहुत कम बनेगा. ठीक है, तो और अगर आप $10 to $15 नहीं, $15 to $35 $15 to $35. ठीक है सर, मिस हो गया था मुझे. अगर आप $15 का प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर रहे हैं तो आपका वो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड नहीं बनेगा जो जिसके लिए हम सेलिंग करना चाह रहे हैं. ठीक है, और मोस्टली क्लाइंट्स भी आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली नहीं एंटरटेन करते. जी प्लीज एक सेकंड, क्लास मैडम की कॉल आ रही है, मैं आपको
एक मिनट बाद ज्वाइन कर रहा हूँ। हेलो फयो, बरा आप सुन जी रही हो? राजा जी, जी मैं सुन रही हाँ, हूँ। मैं ना मेरी ना अभी मैंने ज्वाइन किया मीटिंग, मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी मीटिंग चल रही है। तो आप काइंडली इसको रिपीट कर दो, सर ने अभी तक क्या पढ़ाया? सर ने हमें डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया है, ठीक है, और उसकी ना मैं स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। डिफरेंट टूल्स के बारे में अभी सिर्फ उन्होंने बताया है, और किन कैटेगरीज के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताया, वो मैं दोनों स्लाइड ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप वहां से ले लें, ठीक है। और उसके अलावा अभी सर हमें सिर्फ ये बता रहे थे कि यूएसए का क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि यूएसए में उसको किस प्राइस पे, अभी हम सिर्फ प्राइसिंग पे बात कर रहे हैं कि किस प्राइस पे उसको जो है वो सेल वो करेगा तो उसको जो है वो आएगी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। वो सर ने उसको बोला है कि 15 to 35 डॉलर के तक अगर आप कोई सेल करते हैं प्रोडक्ट तो आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, अदरवाइज less than 15 डॉलर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता, ठीक। अभी तक सिर्फ सर ने यही पढ़ाया है, बाकी मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ उससे रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और साथ में ये है कि किन कैटेगरीज पे हमें वर्क करना चाहिए वो बीच में जो है वो मेंशनड है, ठीक है। और फिर उसके बाद सर से आप कोई क्वेश्चन कर लीजिएगा अगर आपको उसमें से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। बेसिकली हमने पढ़ा है जंगल स्कॉट और जो है हीलियम 10 और ये सारी चीजें इसके बारे में, तो वो डिटेल मेंशन है, जो समझ में नहीं आएगी वो आप अभी सर से ग्रुप में क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ग्रुप में शेयर थैंक यू कर रही सो हूँ मच। स्लाइड्स। थैंक हाँ यू। जी, ठीक ओके, है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इसमें जो मैंने स्लाइड राजेश शेयर किए ना, इसमें सारे टूल्स, 4 टूल्स एंड उससे रिलेटेड जो उनका किस लिए यूज होते हैं वो सारे बीच में मेंशन है, ठीक है। जो आपको कंफ्यूजन है अभी नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा टाइम है आपके पास ना, तो जैसे सर कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, थैंक यू सो मच फरा। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। वेलकम राजिया।
अच्छा क्लास, आप में से मेरे से मिस हो गई एक स्लाइड, हीलियम 10 का, और उससे आगे जो एक स्लाइड थी, अगर वो किसी के पास है तो वो ग्रुप में शेयर कर दे, वो शायद मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई हूँ, अगर किसी ने तो वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें। फर्स्ट स्लाइड तो है मेरे पास, सेकंड वाली स्लाइड नहीं है। जी क्लास, अच्छा हमें प्राइस पता चल गई जी कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो हो इट शुड बी अबव 15 एंड लेस देन 35 डॉलर्स, ठीक है। इससे ज्यादा और इससे कम के प्रोडक्ट्स हम अपने क्राइटेरिया में जो है नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। प्लस वन टू आप कर सकते हैं कि लेट्स से अगर कोई 12-13 डॉलर्स का बहुत ही कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल कर सकते हैं कंसीडर। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि क्राइटेरिया पे बाकी मीट नहीं कर रहे और उनकी प्राइसिंग इस तरह से आ रही है तो उनको आप नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मर्चेंट वर्ल्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। मर्चेंट वर्ल्ड का सर्च वॉल्यूम फॉर यूएसए इट शुड बी अबव 1 लाख, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप यूएसए में सेल करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको आप चाह रहे हैं कि जी उसको आप सेल करें अमेजोन पे, तो मर्चेंट वर्ल्ड का सर्च वॉल्यूम फॉर यूएसए फॉर एनी प्रोडक्ट शुड बी अबव 1 लाख, ठीक है। अच्छा मिनिमम एवरेज सेल्स ये हमें पता चल जाती है जी, मिनिमम एवरेज सेल्स जो है यूएसए के लिए ये हमारी 400+ यूनिट्स फॉर यूएसए होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की 400 यूनिट्स टॉप 5-7 सेलर्स की एटलीस्ट सेल हो रही हो तमाम की, ठीक है। मिनिमम एवरेज सेल्स पर जो आपकी आई यूएसए की वो 400+ होनी चाहिए। अच्छा आपका आइटम जो है इट शुड नॉट बी ब्रेकेबल, ये कोई ग्लास सेरेमिक या फिर कोई सी ऐसी आपकी मटेरियल का प्रोडक्ट ना हो जो कि ड्यूरिंग शिपमेंट या फिर ड्यूरिंग हैंडलिंग जो है उसके ब्रेकिंग के चांसेस ज्यादा हो। वेरिएशंस शुड बी लेस देन 4, वेरिएशंस कैन बी साइज डिजाइन कलर, ठीक है। नॉर्मली आई प्रेफर कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करें कि जिनकी कोई वेरिएशन मौजूद ना हो, ठीक है। आप मतलब स्टैंडर्ड साइज वाले प्रोडक्ट्स देखें, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है कि जिसके वेरिएशंस जो है वो लेस देन 4 है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट मंथली सेल्स इन टॉप 5 लिस्टिंग, जो आपके टॉप 5 लिस्टिंग्स उसमें आती हैं उसकी मंथली सेल्स जो है वो टॉप 5 की वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। जो टॉप सेलर है उसके बाद जो सेकेंड बेस्ट सेलर है उसमें कोई बहुत ज्यादा गैप ना हो, मतलब इस तरह से कि कोई ऐसी आपके पास रिजल्ट ना आ रहे हो कि जो टॉप सेलर है इज मेकिंग 50,000 डॉलर्स पर मंथ और जो सेकंड बेस्ट सेलर है आपके पास वो 5,000 पे आ रहा हो। इट इज अ ह्यूज गैप, इतना कोई ह्यूज गैप ना हो, इसमें कांस्टेंट ड्रॉप डाउन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद इन टॉप 5 स्पॉट्स 2 सेलर्स मस्ट हैव रिव्यूज लेस देन 150। आपके जो टॉप 5 स्पॉट्स हैं उसमें से 2 सेलर्स लाजमी ऐसे हों कि जिनके रिव्यूज जो हैं वो लेस देन 150 हों। अच्छा इट शुड नॉट बी ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंट, ठीक है। ये कोई भी प्रोडक्ट पे जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो कोई ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंसी वाले ना हो। रिव्यू रेटिंग शुड बी अबव 4, आपकी जो प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग हो वो ओवरऑल 4+ होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए तमाम सेलर्स की, कोई ऐसा ना हो कि कोई एक सेलर सेल कर रहा है 13 डॉलर्स का, कोई दूसरा सेल कर रहा है वही सेम प्रोडक्ट 64 डॉलर्स का, ठीक है। प्रोडक्ट आपका नॉन सीजनल हो, इट शुड बी एवरग्रीन। अच्छा इट शुड बी एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपिंग, आपके प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एयर शिप नहीं हो सकते इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना हॉट सेलिंग निकल आया, आपकी लॉन्च बहुत अच्छी निकल गई तो आपको फौरन से अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो उस नेक्स्ट इन्वेंट्री के लिए आपको ये देखना है कि आप अगर बाय ओशन मंगवाते हैं प्रोडक्ट तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, और अगर आप बाय एयर मंगवाते हैं तो नॉर्मली आपका टाइम जो है इसमें सेव हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट फौरन से मिल जाती है।
हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है फॉर यूएसए इट शुड बी अबव 10,000, ठीक है। जंगल स्काउट स्कोर शुड बी अबव 4, एटलीस्ट रेवेन्यू इन यूएसए अगर हम इसको 10,000 डॉलर्स भी कर लेते हैं तो इट इज कंसिडरेबल, ठीक है। हम कहते हैं कि जो हमारा एटलीस्ट जो इन टॉप 10 बन रहा हो वो 10,000 डॉलर्स बन रहा हो। प्रोडक्ट टायर जो हो वो स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर हो। अगर इसके अलावा कोई अगर आपका प्रोडक्ट पैकेज की आती है तो आपको अलग से पे करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आ जाती है हमारे पास, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 25%, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है वो एटलीस्ट 25%, इससे कम ना हो। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम मस्ट नॉट एक्सीड 15 डेज। जो आपका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टाइम लेता है तो वो 15 डेज से ज्यादा का ना हो। अच्छा, जो प्रोडक्ट का वेट है इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पाउंड्स। प्रेफरेबली अगर आपका लो वेट प्रोडक्ट है 0.5 पाउंड्स का, तो नॉर्मली इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा रिकमेंडेड होता है, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर यूएसए, नहीं यूएसए का क्राइटेरिया डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें से कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप प्लीज मुझे बताएं। अभी तमाम स्टूडेंट्स ही ये तमाम क्राइटेरिया जो है मैं तमाम स्टूडेंट्स से अभी सुनूंगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी जो पॉइंट्स बन रहे हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पॉइंट्स हैं आपके यूएसए के क्राइटेरिया के, ठीक है। तो आपको ये 19 के 19 पॉइंट्स फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट रिसर्च टोटली इनकम्प्लीट। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप इसके अलावा फाइंड करते हैं, इन चेक्स के अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो वो नॉर्मली कंसिडरेबल नहीं होती, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस, मर्चेंट, वर्ल्ड का सर्च वॉल्यूम, मिनिमम एवरेज सेल्स, उसका जो मेटीरियल है, वेरिएशन, कॉन्स्टेंट मंथली सेल्स, और जो आपकी टॉप 5 लिस्टिंग में आपके पास रिव्यूज कितने होने चाहिए जी, कोई कंपेटिटर आपका ब्रांड या फिर अमेजोन इटसेल्फ ना है, रिव्यू रेटिंग आपकी 4 से अबव होनी चाहिए, कंसिस्टेंट प्राइस हो, नॉन सीजनल हो, एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपिंग हो, हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 10,000 जो है वो होना चाहिए आपका, जंगल स्काउट का जो आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर है जी वो भी 4 होना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट रेवेन्यू जो बने आपके टॉप 10 सेलर्स का वो 10,000 डॉलर बनना चाहिए। प्रोडक्ट टायर जो है वो स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एटलीस्ट 25% बनना चाहिए आपका। प्रोडक्शन टाइम जो हो इट शुड नॉट एक्सीड 15 डेज, और प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 पाउंड्स। प्रेफरेबली अगर ये 0.5 पाउंड या 1 पाउंड तक की प्रोडक्ट होती है तो वो ज्यादा प्रेफर। अगर तो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, अदरवाइज आप तमाम स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को याद करें अभी, और मैं ड्यूरिंग क्लास एक्सक्यूज तमाम स्टूडेंट्स से अभी ये चीज जो है मैं वन बाय वन सुनूंगा, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स नहीं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट मिस नहीं होगा इसमें। एक्सक्यूज मी सर, ये वेरिएशंस की मुझे समझ में नहीं आया, ये तो देखें वेरिएशंस क्लियर नहीं है मुझे। वेरिएशंस, वेरिएशंस हम इसे कहते हैं। लेट से आपका एक प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपने उसकी लिस्टिंग में देखा कि उसके साइज 5.5 इंचेस, 7.9 इंचेस, 9.9 इंचेस, 3 आपके पास ये क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो व्हाइट, ब्लैक, पिंक, ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है फिर उसके डिजाइन जो है बीच में चेंज आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं आपकी, वेरिएशंस, ठीक है। अगर हम इसे सिंपलेस्ट वे में देखें, कोई आप एक टी शर्ट अगर सेल करें, हम क्लोथिंग की सेलिंग में नहीं जाते हैं, टेक्सटाइल सेलिंग में हम मतलब नॉर्मली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत बड़ी रेंज, बहुत ज्यादा आपको SKUs मैनेज करने पड़ता है, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि लेट से अगर आप कोई एक वाइट टी शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो उस वाइट टी शर्ट के आपको 3 साइज देखने पड़ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो दीज आर 4 वेरिएशंस, ठीक है। अगर आप व्हाइट के साथ येलो भी सेल कर रहे हैं, पिंक भी सेल कर रहे हैं, रेड भी सेल कर रहे हैं, दैट शोज कि आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी वेरिएशन है, ठीक है।
तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वेरिएशंस ना हो, और अगर वेरिएशंस आती भी हैं तो लेस देन 4, इससे ज्यादा की वेरिएशंस को हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज इसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिर रिक्वायर्ड होती है। जी लेस देन सना आप फोर होनी सर। चाहिए। जी लेस देन 4, और प्रेफरेंस जो हो वो ये हो कि कोई वेरिएशन ना हो प्रोडक्ट की। आप जी अच्छा करो सर, मुझे ये जी पूछना था बात। कि जे एस अबव 4, मुझे इस लाइन की समझ नहीं है, ये जंगल स्काउट अबव 4 का क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप अपना। जे एस अबव 4 ये इसमें लिखा ना, जंगल स्काउट अबव 4, ये देखें इसका क्या बताया हुआ है? यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब हम जंगल स्काउट की तो जंगल स्काउट 1 to 8 अपना हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है आपको। ठीक है, जब आप जेएस को रन करते हैं, जूल को रन करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी स्कोर मिल रहा है। ठीक है, और वो स्कोर जो हो आपका प्रोडक्ट का, इट शुड बी अबव 4, 4 से अबव होना चाहिए। ठीक है, अगर लेस देन 4 होगा तो दैट शोज कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम है और कंपटीशन जो है मार्केट में ज्यादा। जी सना अफसल। सर मैंने ही क्वेश्चन पूछा आपसे ये वाला। ऑलराइट, पुरुषलैन सर, कंसिस्टेंट प्राइस का क्या मतलब है? जी ये जो एक पॉइंट है ना, इसमें कंसिस्टेंट प्राइस रिव्यू रेटिंग। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट प्राइस मींस के अब आपकी जो प्रोडक्ट है, लेट्स से किसी ने मैट अगर सर्च किया अमेजोन पे, तो अब योगा मैट्स आपको अमेजोन का सर्च प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको नजर आ रहे हैं, तो उनमें कंसिस्टेंट प्राइस हो, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस ना हो। कोई कोई एक सेलर जो है वो सेल कर रहा हो $13 का, तो कोई दूसरा सेलर सेल कर रहा हो उसी तरह का सेम प्रोडक्ट $60 का। ठीक है, नॉर्मली उनकी जो एवरेज प्राइस हो वो एक जगह एक तरह से कंसिस्टेंट हो। अगर कोई 13 का सेल कर रहा है तो मैक्सिमम कोई 15 जाए, 17 तक जाए, इससे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट की अपनी प्राइस अगर बना रहा है तो वो नॉर्मली हमारे पास इनकंसिस्टेंट प्राइस आ जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि इसमें इतनी ज्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों आ रही है। ठीक है, अब नॉर्मली लेट्स से अगर आप भी आईफोन 11 मोबाइल कवर सेल कर रही है, मैं भी आईफोन 11 मोबाइल कवर सेल कर रहा हूँ, नदीम भी सेल कर रहे हैं जी, शहजाद भी सेल कर रहे हैं, आलिया भी सेल कर रही हैं, हम सारे अगर आईफोन 11 मोबाइल कवर सेल कर रहे हैं अमेजोन पर। अब आपने अपनी लिस्टिंग प्राइस रखी $13, अब मैं उस प्रोडक्ट की प्राइस रखता हूँ लेट्स से $25। ठीक है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट, ये हमारी प्राइस जो होगी ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारी जो प्राइस है इट शुड बी कंसिस्टेंट। जी मोहम्मद नदीम। जी सर, ये मेरा कास्ट मंथली वाला ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। जी रिपीट कीजिए प्लीज सर। ये कांस्टेंट मंथली वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 6, ये थोड़ा रिपीट कीजिए। अच्छा, कांस्टेंट मंथली सेल्स इन टॉप 5 लिस्टिंग्स। जी जी सर, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, लेट्स से हमने देखा कि जो हमारे टॉप 5 कंपेटिटर्स हैं अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, ठीक है, उनमें कंसिस्टेंट हमारे पास जो है वो सेल्स आ रही है उनके पास। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट रेवेन्यू उनका बन रहा हो, उनके पास कोई इस तरह से ना हो कि सिर्फ और सिर्फ तमाम सेल्स आपका सिर्फ पहला सेलर जो है वो मार्केट की लेके जा रहा हो। ठीक है, दैट शोज के वो प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट बाय अ ब्रांड, जो कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड है वो सारी सेल्स लेके जा रहा है। ठीक है, तो कोई बिग ब्रांड हो सकता है जो कि तमाम सेल्स लेके जा रहा है। लेट्स से आपने नी ब्रेस आप अगर सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, तो अब नी ब्रेस आपके साथ कोई ऐसा कंपेटिटर लेट्स से नाइकी आके आपके अगेंस्ट नी ब्रेस आके सेल करना शुरू करते हैं। ठीक है, या पोस्टर करेक्टर आप मतलब कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप कंसिडर कर रहे हैं, तो जब आपने उनके एनालिसिस देखा तो आपने देखा कि जो टॉप 5 सेलर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल टॉप सेलर की आ रही है। ओके, कंसिडरेबल है, अंडरस्टूड है कि जी टॉप सेलर है, इसकी सेल सबसे ज्यादा। जो सेकंड सेलर है उसकी सेल्स जो हो वो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन ना हो। अगर कोई टॉप सेलर $50,000 का मंथली रेवेन्यू बना रहा है तो सेकंड सेलर जो है वो एटलीस्ट
$45,000, $48,000, $42,000 बना रहा हूँ। ये ना हो कि 50,000 से फॉरन ड्रॉप डाउन आके हमारे पास $10,000 पे जो नेक्स्ट सेलर आ रहा हो, फिर जो उसके बाद थर्ड नंबर पे सेलर हो वो इस तरह से ना हो कि 2,000 बना रहा हो, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि टॉप 5 लिस्टिंग में तमाम सेलर्स को सेल्स आ रही हैं, दैट शोज के प्रोडक्ट पे हमारे भी जगह मौजूद है। अगर हम भी आके इसमें सेल करते हैं तो हमें भी इतनी सेल्स जो है वो टॉप 5 स्पॉट्स में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें जी सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है अपने सेल के लिए जो मतलब जिसके लिए जो 5 टॉप जो हैं सेलर हैं उनकी मतलब कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा फर्क है उनके जो टोटल रेवेन्यू है जनरेट हो रहा उसके दरमियान। जी एग्जैक्टली, उनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा गैप नहीं हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोडक्ट हमने चूज नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट हम कंसीडर नहीं कर सकते। जी राजिया तारिक। तो सर ये जो आपने फोर्थ लास्ट वाला है पॉइंट, इसका नहीं समझ आया मुझे कि एटलीस्ट रेवेन्यू यूके जीबीपी 8,000, ये वाला सर मुझे नहीं समझ आया कि ये। देखिए मैंने अभी आपको बोला है सिर्फ और सिर्फ आप यूएसए को देखें, ठीक है, हर कंट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए की बात कर रहे हैं, तो हमने बात की कि जो हमारे टॉप 10 लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, उसमें हर सेलर एटलीस्ट $10,000 अपने रेवेन्यू में जनरेट कर रहा हो, ठीक है। टॉप 10 लिस्टिंग्स में आपके पास हर सेलर एटलीस्ट $10,000 का मंथली रेवेन्यू आ रहा हो, ठीक है। यूके का जीपीपी को आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि एटलीस्ट रेवेन्यू इन यूएसए फॉर टॉप 10 लिस्टिंग शुड बी एटलीस्ट $10,000। सर लास्ट वाला पॉइंट क्लियर कर दें, प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 LB है, क्या है ये? मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। वेट की बात है ये, ठीक है? आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, ठीक है? आपका जितना लो वेट प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिटेबल होगा और उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना तमाम चीजें आपके एंड पे काफी लो कॉस्ट में हो जाएंगी। अगर तो आपके प्रोडक्ट का वेट बहुत ज्यादा है, लेट्स से 5 pound, 10 pound, 100 pound अगर आपके प्रोडक्ट का वेट है, तो आपकी जो शिपिंग आएगी वो भी आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, FBA फी भी आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो वेट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और कितना कम होगा, हम कहते हैं कि एटलीस्ट 0.5 pound या इवन मैक्सिमम 2 pound तक जाए, इससे ऊपर का प्रोडक्ट हम नॉर्मली कहते हैं कि उस पे सेल ना करें। ओके सर, थैंक यू जी। क्राइटेरिया क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? सर प्लीज सेकंड लास्ट जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, सेकेंड लास्ट जो है वो ये कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन टाइम है, ठीक है, आप जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं अलीबाबा के थ्रू, तो हमें ये चीज देखनी है कि जो उसकी प्रोडक्शन टाइम है वो 15 डेज से ज्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। जो कि आपका सप्लायर है वो आपके प्रोडक्ट विद इन 15 डेज आपको मैन्युफैक्चर करके दे दे, ठीक है। मतलब अगर लेट से आपके पास सेल्स यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स आपके ज्यादा सेल होने लग गए, आपको रैंकिंग मिल गई जल्दी अपने प्रोडक्ट की, तो आपको जो नेक्स्ट इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है वो 2 months का टाइम ले रही है आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री मेकिंग में, ठीक है। तो आप तो अपनी जो गेंद आपकी रैंकिंग होगी वो आप फिर दोबारा से लूज कर देंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन टाइम है वो 15 डेज से ज्यादा एक्सीड ना हो, ये हमें हमारे सप्लायर से कंफर्म होता है, मतलब सप्लायर्स हमें इस चीज को बताते हैं, उसके बाद हमें ये चीज पता चलता है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन टाइम जो है वो कितनी है। थैंक यू सर, गॉट इट। जी आलिया अफसर। जी सर मुझे ये बता दे, शुड नॉट और Amazon डोमिनेंट, मुझे इसे समझ में नहीं। अब आपने लेट से कोई लिस्टिंग्स आपने देखी, उसमें आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे होते हैं जिस पे इटसेल्फ Amazon सेल कर रहा है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट में हमारे कंपेटिटर इटसेल्फ Amazon आ जाता है, ठीक है, तो उस तरह की प्रोडक्ट में तकरीबन सारी सेल्स Amazon खुद लेके जा रहा होता है, ठीक है। और किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें कोई बिग ब्रांड हमारा कंपेटिटर आ गया, बिग ब्रांड मीन्स कोई लेट्स से नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर, स्पोर्ट्स के ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो हमारी टारगेटेड कैटेगरीज हैं उनमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, रिनोन ब्रांड्स हैं, ठीक है, वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं। अगर हमारे कंपेटिटर्स में इस तरह के रिप्यूटेड ब्रांड्स आ जाते हैं तो तमाम लोग उनको परचेज करते हैं,
हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो नॉर्मली हम लोग ढूंढते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि ब्रांड डोमिनेंसी शो ना करें, ठीक है। और ब्रांड डोमिनेंसी में एक ये चीज़ भी आ जाती है कि कोई रिनोन्ड ब्रांड आ जाए आपके पास, और ये चीज़ भी आ जाती है कि आपकी टॉप 10 लिस्टिंग में वो ब्रांड 2-3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से नाइकी आपके पास 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है आपकी टॉप 10 लिस्टिंग, या कोई एक ऐसा ब्रांड है, लेट्स से कोई एक्स वाई जेड ब्रांड है, वो आपका नंबर 1, नंबर 7, नंबर 10 पे आपके पास दोबारा दोबारा आ रहा है, तो दैट शोज के ये प्रोडक्ट टॉप 10 में 3 दफ़ा आ रहा है इस ब्रांड का। तो ये प्रोडक्ट जो है ये इस ब्रांड के थ्रू डोमिनेंट है, इस ब्रांड के पे इस सेलर ने डोमिनेंसी ली हुई है, ठीक है। और जो अमेजोन हमारे पास अगर कंपेटिटर आ जाता है, हमारे पास सोल्ड बाय अमेजोन अगर आ जाता है, तो उस तरह की भी सेलिंग हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जी आपकी इसमें कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी अमेजोन और ब्रांड डोमिनेंट। जी मोहम्मद आसिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये जो प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च टूल से रिलेटेड है। जी जी बोले आप। कि हमने प्रोडक्ट हंट करने के लिए कम से कम कितने टूल चाहिए हमें, और जितने भी टूल चाहिए मतलब जंगल स्काउट है, लिंक्डइन है या मर्चेंट वर्ल्ड, इनकी क्या क्या ऑप्शन है जो हम यूज करें, जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है कि हम समझते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट हो। जी ये हम डेमो लेंगे क्लास में हर टूल का, ठीक है। हर टूल का बेसिकली जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड है वो ये 4 बेसिक टूल है। इसमें हमारी तमाम रिसर्च जो है वो हीलियम 10 से भी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ हीलियम 10 है तो आप ये तमाम क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं, आप पता कर सकते हैं तमाम चीज़ें। इन केस के जी आप चाह रहे हैं कि आप चारों टूल्स हैं, नॉर्मली मार्केट में आपको पैकेज मिलता है ₹4,000-5,000 का, सॉरी के, जिसमें आपको ये चारों टूल्स जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे मिल जाता है, ठीक है। मंथली आपको पे करना पड़ता है और ये टूल्स आपको मंथली बेसिस पे मिल जाता है। तो उन टूल्स के अगेंस्ट फिर आप जो है ये तमाम चीजें जो है वो फाइंड आउट करके मतलब क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसकी सेल्स कितनी है, हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम कितना है, मर्चेंट वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है, ये तमाम चीजें। ठीक है सर, ठीक है सर। ये इंशाल्लाह हम लाइव एक एक टूल पे हम गो थ्रू करेंगे। बस करंटली आप जो है यूएसए का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो है इसको आप याद करें, ताकि क्राइटेरिया आपको क्लियर हो, उसके बाद आप टूल्स पे वर्किंग करें तो आपको तमाम चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये कोई 18-19 पॉइंट्स हैं यूएसए के क्राइटेरिया के, ये तमाम स्टूडेंट्स प्लीज अभी याद करें। मैं अभी आफ्टर सम टाइम वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स बताएंगे ये क्राइटेरिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट क्राइटेरिया आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो बहुत बिग लॉस पे पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका कंपटीशन क्या है, उसकी मंथली सेल्स क्या है, उसकी कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। तो आपको ये तमाम एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस के बाद आप देख सकते हैं कि जी इस प्रोडक्ट पे आपका जो चांस ऑफ सेलिंग या फिर जो आपका जो चांस है इस प्रोडक्ट में, अगर आप इसमें स्टेप इन कर रहे हैं तो आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर काइंडली ये व्हाट्सएप में जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए जी। अगर स्टूडेंट्स किसी ने टाइप किया है तो प्लीज ये क्राइटेरिया के पॉइंट्स आप ग्रुप में शेयर कर दें। जी आमना उरूज, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, आमना उरूज। आमना माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। सर तब तक प्रोडक्ट टायर का थोड़ा बता दीजिएगा, इट शुड बी स्टैंडर्ड पैकेज। जी स्टैंडर्ड लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। अगर आपके जो Amazon आपको स्टैंडर्ड लार्ज एंड स्मॉल के अलावा अगर आपका प्रोडक्ट डायमेंशंस में इस तरह से आता है कि उसके लिए अलग से पैकेजिंग रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, आपको Amazon अलग से आपको पैकेजिंग करके दे, तो उस केस में फिर अमेजोन आपको सर चार्जेज ऐड करता है, ठीक है, पैकेजिंग के। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड टायर हो,
जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग हमें अमेजोन ऑफर कर रहा है उसी के अंदर हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ें हैं। ये आपको नॉर्मली हीलियम 10 और इनसे पता चल जाता है कि जी प्रोडक्ट का टायर क्या है, पैकेजिंग टायर उसका। जी आमना उरूज। जी क्लियर है क्राइटेरिया तमाम स्टूडेंट्स को? जी सर क्लियर। चलिए तमाम स्टूडेंट्स प्लीज क्राइटेरिया जो है अभी याद करें, ठीक है। मैं अभी वन बाय वन तमाम स्टूडेंट से क्राइटेरिया सुनूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर सकते ना आप कोई एनालिसिस कर सकते। अक्सा जी आलिया बोलो। मुझे एक चीज़ बताएं, रेवेन्यू रेटिंग अबव 4। आप ऐसा करें आप इनबॉक्स में रिव्यू रेटिंग अबव 4 का मतलब आपके जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको स्टार्स नजर आएंगे वो अबव 4 होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग लेस देन 4 है, आपकी प्रोडक्ट का जो रिव्यू रेटिंग का जो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो लेस देन अगर 4 है, तो दैट शोज कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बायर्स की तरफ से रिटर्न ज्यादा हो रहा है, उसके रिटर्न रेट जो है वो काफी ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू रेट जो है, जो रिव्यू रेटिंग है, इट शुड बी अबव 4, ठीक है। नॉर्मली जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो 4.5 होती है, लेकिन क्राइटेरिया में हम एटलीस्ट एवरेज जब हम देखते हैं तो एटलीस्ट 4 होनी मस्ट है। अगर इससे कम है हमारे पास, 3.8 भी अगर है, तो दैट शोज कि हमारे प्रोडक्ट के रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रोडक्ट की रिटर्न्स ना हो, इसलिए हमें रिव्यू रेटिंग जो है वो अबव 4 देखनी है।
क्योंकि सर जी सर ये पॉइंट ले जाते हैं इन टॉप फाइव स्पॉट वाला जी इन टॉप फाइव स्पॉट और पॉइंट ले जाते हैं अच्छा इन टॉप फाइव स्पॉट्स हमने जब अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू अपने कंपेटिटर्स देखने हैं तो हमारे पास टॉप फाइव स्पॉट्स पे दो सेलर्स ऐसे लाजमी हो कि जिनके रिव्यू जो है वो लेस देन 150 हो ये हमारे पास सबसे टफेस्ट चीज है क्राइटेरिया में कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जिनके रिव्यूज जो है वो काफी कम हो ठीक है एटलीस्ट हमारी स्टेप इन होने की जगह उस प्रोडक्ट में मौजूद हो अगर तो हमारे पास तमाम क्राइटेरिया मीट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिव्यूज इतने आ रहे हैं कि हम उस प्रोडक्ट में स्टेप इन नहीं कर सकते कि हमारे पास उस प्रोडक्ट के रिव्यूज किसी सेलर के 5,000 हैं किसी के 3,000 हैं किसी के 2,000 हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे हम स्टेप इन नहीं कर सकते वेरिएशन वाले टॉपिक साइज वेरिएशन आ जाएगा जी बिल्कुल वेरिएशन में उसकी साइज कलर और इस तरह की तमाम वेरिएशंस आ जाते हैं ठीक है सर थैंक यू सर मुझे कंसिस्टेंट प्राइस बता दें जी कंसिस्टेंट प्राइस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टेड प्राइस हो वो बहुत ज्यादा वेरी ना कर रही हो बहुत ज्यादा गैप ना हो अगर कोई एक प्रोडक्ट लेट से योगा मैट अगर कोई सेल कर रहा है तो उसकी प्राइस अगर $25 है तो वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट ना हो ये ना हो कि आपके जो बाकी सेलर्स हैं वो कोई $5 की सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट और कोई और सेलर है वो सेल कर रहा है इसको जी $65 का तो इट इज इनकंसिस्टेंट तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो नॉर्मली कंसिस्टेंट होनी चाहिए मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस या बहुत ज्यादा गैप जो है वो लिस्टेड प्राइस में ना हो जी सर ठीक है एक्सक्यूज मी सर ये जरा प्रोडक्ट टायर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे दोबारा प्रोडक्ट टायर जो है बेसिकली अगर आपकी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो बॉक्स लग रहा है ठीक है अगर तो वो स्टैंडर्ड अमेज़न की तरफ से जो ऑफर्ड है आपको स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज ठीक है उसके अंदर आ जाए तो वो कंपैरेटिवली हमारे पास जो है वो लेस कॉस्ट में हमें प्रोडक्ट पड़ता है अगर तो हमारे प्रोडक्ट की ऐसी है कि उसके लिए कोई अलग पैकेजिंग अमेज़ॉन को मैनेज करनी है ठीक है तो उस तरह की पैकेजिंग के लिए फिर अमेज़ॉन आपको चार्जेस देगा अपने मतलब अलग से चार्जेस आपको पड़ेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट टायर हो इट शुड बी स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज वो उसी बॉक्स में आ जाना चाहिए जो अमेज़ॉन अपने तरफ से स्टैंडर्ड जो है वो ऑफर कर रहा है आपको कोई अलग से उसको हमारे लिए पैकेजिंग ना मैनेज करनी पड़े जी सर क्लियर हो गया थैंक यू तो अगर ये सर्च हो रहा है तो इसका जो ओवरऑल सर्च वॉल्यूम इन यूएसए है इट शुड बी अबव 1 लाख ठीक है 1 लाख प्लस इसका एटलीस्ट सर्च वॉल्यूम यूएसए में हो मतलब from Amazon इतने सारे लोग इस प्रोडक्ट पे ये सर्चिंग आके कर रहे हो ठीक
अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो जनरल स्काउट है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, अबव 4, तो ये जो आप जो हर प्रोडक्ट के अंगेज अपॉर्चुनिटी देता है, तो ये अबव 4 क्या चीज़ है, 4 क्या चीज़ है, वो पेजेस है क्या, अबव 4 पेजेस होने चाहिए, मतलब ये नहीं, ये उसकी अपनी एक इवेल्युएशन है प्रोडक्ट की, ठीक है। जेएस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर हमें बताता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसकी अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, ये 1 to 8 होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर वो आपको बताता है जी इसका स्कोर 1, स्कोर 1 का मतलब है कि इस प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इसकी डिमांड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या फिर इसकी 0 डिमांड है। और अगर तो ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी स्कोर 6, 7, 8 बताता है तो शोस के प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत कम है लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट जेएस के अकॉर्डिंग उस पे 4, उसकी जो जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो एटलीस्ट 4 मस्ट हो। ठीक सर, सर एटलीस्ट रेवेन्यू जो यूएसए का जो रेवेन्यू है ये किस चीज का रेवेन्यू है, ये सेलिंग के रेवेन्यू है कि वो एटलीस्ट $10,000 का रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 सेलर्स में एटलीस्ट बन रहा हो, इससे कम का रेवेन्यू हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, सर जीएस अबव 4 का बता दीजिए। जी अपॉर्चुनिटी स्कोर है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है और उसका कंपटीशन जो है वो कम हो और डिमांड उसकी ज्यादा हो, तो एटलीस्ट जो उसका अपॉर्चुनिटी स्कोर हो वो 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 से कम होता है तो दैट शोज कि कंपटीशन ज्यादा है और डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की।
सर इसमें जो मिनिमम एवरेज सेल है वो एवरेज सेल पर मंथ पर डे या पर ईयर के हिसाब से देखनी होती है? इसमें कोई भी चीज है ये हमारी 30 डेज के अकॉर्डिंग होती है कि मंथली होती है, ठीक है। कोई भी चीज हमारी रेवेन्यू है इसमें यूनिट सेल्स है जितनी भी चल रही होंगी हमारे पास या जो सर्च वॉल्यूम भी होता है ये लास्ट 30 डेज के हिसाब से होता है। थैंक यू सर। मिनिमम एवरेज सेल्स 400 ये भी मंथली है? 400 यूनिट्स हैं बेसिकली कि आपके जो एवरेज जो सेल हो रहे हो एटलीस्ट 400 यूनिट सेल हो आपके। ठीक सर।
सर मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, इन टॉप फाइव स्पॉट्स टू मस्ट है, ये वाला पॉइंट जरा थोड़ा सा कर दें मुझे क्लियर। अच्छा, इसमें हम कहते हैं कि जी जो हमारे टॉप फाइव स्पॉट्स हैं, हमारी जो टारगेटिंग होती है वही होती है कि हम एटलीस्ट टॉप फाइव स्पॉट में अपनी जगह बनाएं। तो हम देखते हैं कि जो टॉप फाइव स्पॉट्स हैं उसमें जो दो सेलर्स ऐसे हों कि जिनके रिव्यूज लेस देन 150 हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लीडिंग बजट पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम इस बजट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं नॉर्मली 200 तक भी, ठीक है, 250 तक भी। लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये कि हमारे जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो सेलर सेल कर रहे हैं उन पे टॉप फाइव सेलर्स जो हैं उनमें दो सेलर्स ऐसे लाजमी हों कि जिनके रिव्यूज लेस देन 150 हों, ताकि आप 150 रिव्यूज जब गेन कर लें तो आप उस स्पॉट पे आ जाएं और आप उतनी सेल्स जो है फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में।
सर हो गया है। चलें जी वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताते जाएं जिनका मैं नेम कॉल करता हूँ, ठीक है। मोहम्मद आसिम यूसुफ, हैंड रेज्ड है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद आसिम यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें जो हमें हेलियम 10 का सर्च वॉल्यूम बता रहा है यूके के लिए 5000 है, यूके को आप भूल जाएं, आप सिर्फ यूएसए की बात करें, यूएसए के लिए ये जरा डिफाइन करते सर्च वॉल्यूम क्या होता है। जी सर्च वॉल्यूम जिस तरह से हमने मर्चेंट वर्ल्ड की बात की तो मर्चेंट वर्ल्ड ओवरऑल कंट्री का सर्च वॉल्यूम बताता है आपको, ठीक है। और जो हीलियम 10 है वो आपको सर्च वॉल्यूम स्पेसिफिकली अमेज़न का बताएगा कि ऑन अमेज़न इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना था, यानी ये कितनी बार सर्च हो रही है एग्जैक्टली, कितने लोग इसको एक मंथ में टाइप कर रहे हैं अमेज़न पे आके। जी और जंगल स्कॉट में भी ये हमें ऑप्शन मिलती है या सिर्फ ये हीलियम 10 में मिलती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हीलियम 10 अपना सर्च वॉल्यूम बताता है, यानी इसका मतलब है कि हम ज्यादा नहीं जस्ट दो टूल भी ले लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। ज्यादा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अगर हीलियम 10 भी ले लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बाकी टूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। मैं नॉर्मली मर्चेंट वर्ड्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी हीलियम 10 से हमें पता चल जाता है, ठीक है। वायरल लॉन्च है, उसको हमने इवन डिस्कस भी नहीं किया। तकरीबन सेम क्राइटेरिया आपके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स वो तमाम बता रहा होता है, सिर्फ हम उससे कुछ ना कुछ चीजें रीवेरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जेएस और हीलियम, ठीक है, ये दो हमें मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इनके साथ हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कोविड का मामला है तो जितना ज्यादा एक्सपेंस को रिड्यूस कर लें वही ज्यादा बेहतर है। जी ऐसे ही, बहुत शुक्रिया सर। जी अच्छा जी, क्लास वन बाय वन जी तमाम स्टूडेंट्स जो है मुझे क्राइटेरिया सुनाएंगे बताएंगे और ट्राई टू गेट द सीक्वेंस ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी चीजें जो है वो साथ साथ क्लियर है। अच्छा स्टार्ट करते हैं जी, आसिम आपसे स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज ये जो क्राइटेरिया के तमाम पॉइंट्स हैं ये वन बाय वन आप फिर काउंट करने हैं साथ में, पॉइंट वन इस तरह से 19 पॉइंट्स हैं आपके। जी जी सर, इसमें पहला पॉइंट है प्राइस, ये ज्यादा से 15-10 GBP ये ब्रिटिश पाउंड को शो कर रहा है। नहीं नहीं, ब्रिटिश पाउंड कोई बात नहीं करें, आप मुझे ये बताएं कि यूएसए की आप बात करें सर। जी यूएसए क्राइटेरिया, जी यूएसए की प्राइस का क्या क्राइटेरिया हमारा? यूएसए की प्राइस का ये ज्यादा से ज्यादा 15 और मिनिमम 10 होना चाहिए, मिनिमम 15 मैक्सिमम 35 हो, डॉलर्स की बात हो रही है। ये डॉलर सर मेरे पास तो इधर अबव 15 और साथ में आगे 10 GBPR है। नहीं देखें, मैंने इसमें आपको बोला है कि जो आप क्लास में टेंटिवली देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ यूएसए के क्राइटेरिया को डिस्कस किया, जीबीपी रिप्रेजेंट पाउंड्स और पाउंड्स यूके का क्राइटेरिया उसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया क्लास में, ठीक ठीक है। तो प्राइस प्रोडक्ट की 15 से लेके 35 डॉलर्स के बीच में होनी चाहिए, अगर इससे सस्ता प्रोडक्ट होगा तो आपका उतना एक्सपेक्टेड मंथली रेवेन्यू नहीं बनेगा, नो मैटर कि आपको सेल्स आ भी रहेंगे, ठीक है। और अगर तो आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लेट्स से 35 डॉलर से एक्सीड कर जाएगी तो दैट शोज के आपको फिर उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, लाइक लेट्स से आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की सेलिंग पे जा रहे हैं तो आपको फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। जी बिल्कुल, आगे प्लीज नेक्स्ट आप क्राइटेरिया के पॉइंट्स बताएं। इसका मर्चेंट वर्ड सर्च वॉल्यूम जो है वो यूएसए का ज्यादा से ज्यादा जो है वो 100K+ होना चाहिए, कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 100K होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। जी ठीक है,
मिनिमम एवरेज सेल जो है वो 400 प्लस होनी चाहिए। ये 400 प्लस यूनिट्स, ठीक है, आपके सेलर्स के जो यूनिट्स सेल हो रहे हैं 400 सेल हो रहे हैं। और 4 पॉइंट है, ये ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए, ग्लास और सिरामिक्स टाइप की प्रोडक्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। और 5 है, इसमें कम से कम जो है आपके शॉर वेरिएशन इससे कम ही हो तो बेहतर है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वेरिएशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 6 पॉइंट है, कांस्टेंट जो है ना मंथली प्राइस सेल इन 5 लिस्टिंग में आना चाहिए, आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपकी 5 लिस्टिंग में आनी चाहिए कॉन्स्टेंटली एवरी मंथ इन सेल में। और 7 पॉइंट है, इन द टॉप ऑफ 5 स्पॉट्स 2 सेलर मस्ट बी हैव ग्रेटर देन 150 लेस देन 150 सॉरी लेस देन 150 इस ये जो आपके टॉप 5 में आपकी जो प्रोडक्ट की आएगी ना लिस्टिंग सेलर में, उसमें लेस देन जो मस्ट हैव जो सेलर हैं उसकी लेस देन 150 उनका, मतलब उसमें 2 स्पॉट्स आपको ऐसे लाजमी मिले हैं कि जिनके जो हों वो लेस देन 150 हों, ताकि आप उन उसको अचीव करके जल्द से जल्द उस स्पॉट को अपने नाम पे कर लें और वहां पे आके आप अपनी सेल्स जो है वो गेन कर सकें। जी सर, ठीक है। Should not be brand, 8 point है, should not be brand or Amazon dominant. कोशिश करें कि इसमें आप brand और Amazon dominant product वगैरह में ना जाएं, क्योंकि इसमें आपको सही profit margin नहीं मिलेगा और competition बहुत ज़्यादा मिलेगा। Brand नहीं होना चाहिए आपकी जो product है, वो आप किसी brand को सर्च कर रहे हों तो ये नहीं, वो ब्रांड से हट के हो। और अमेजोन खुद भी सेलर है अमेजोन पे, तो उसकी प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहा है उसको नहीं लेना चाहिए। हेलो सर, जी जी ठीक है, म्यूट आप कंटिन्यू रखें, मैं सुन रहा हूँ साथ साथ। जी जी 9 रिव्यू रेटिंग अबव 4, उसकी जो रिव्यू रेटिंग है ना वो हमारी अबव 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सर ये पर मंथ होगा? नहीं, ये ओवरऑल रेटिंग होती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग जो है वो लेस देन 4 आ रही है आपके पास, तो दैट शोज के प्रोडक्ट के रिटर्न जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहते हैं तो रेटिंग है प्रोडक्ट की वो अबव 4 होनी चाहिए। 10 नंबर है, कंसिस्टेंटली प्राइस जो है ना कंसिस्ट होनी चाहिए आपकी, ये नहीं होना चाहिए कि एक महीने प्राइस कम हो गया तो दूसरे महीने ज़्यादा हो गई, ये बिल्कुल कांस्टेंट आनी चाहिए। दूसरा 11 पॉइंट, नॉन सीजनल शुड बी एवरग्रीन, ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, एवरग्रीन होनी चाहिए जिससे इसकी आपकी मंथली जो है ना सेल इस पर फर्क ना पड़ा हो, ठीक है। वेरी गुड। एलिजिबल फॉर ओशियन और एयर शिपिंग, ये बिल्कुल एयर शिपिंग के लिए भी रेडी हो, और आपको अगर एयर शिपिंग के लिए भी रेडी हो और ओशियन जो है ना यानी कि दूसरी सी शिपिंग के लिए भी आपकी ये कंपैटिबल हो आपकी जो प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बाय एयर शिप नहीं हो सकती, ठीक है। जी जी, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया के टाइम पे सिलेक्शन के टाइम पे हमें देखना चाहिए कि लेटर ऑन अगर एमरजेंसी इन्वेंट्री कॉल करनी पड़ जाए तो हम किस तरह मंगवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारे लिए मस्ट है कि हम अपने पास इस क्राइटेरिया में ये चीज रखें कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हो वो एटलीस्ट एयरशिप हो सके। सर एयरशिप यहां कॉस्टली पड़ेगी और ओशन कॉस्टली पड़ेगी, ऑब्वियसली सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास रैंकिंग गेंड है, आपको सेल्स मिल रही है और आप चाह रहे हैं कि जी आप आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं, आपने स्टार्टिंग में 300 यूनिट्स की इन्वेंटरी भेजी 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, आपको 15 डेज में 300 यूनिट्स आपके सेल हो गए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी सेल्स आ गई। अब आप ओशन शिपिंग का इंतजार करते रहेंगे, जी ओशन शिपिंग आएगी तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो हो वो बाय एयर शिपमेंट के लिए भी एलिजिबल हो। जी ठीक हो गया सर। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हमारी
ओशियन शिपिंग है, ये मिनिमम कितना टाइम ले लेती है हमारी? जी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। हमारे पास इसमें दो तरह की एयर शिपमेंट होती है, दो तरह की ओशन शिपमेंट होती है, ठीक है। तो नॉर्मली 20 to 40 days तक हमारी ये शिपमेंट जाती है, इवन 60 days तक भी जाती है, ठीक है। तो इसमें भी जब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सोर्सिंग, कि आप जब सोर्सिंग करवा रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसकी शिपिंग भिजवाते हैं, तो वो चीज़ किस तरह से होती है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लेटर ऑन सोर्सिंग के टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। वोटिंग पॉइंट है फोर, मतलब है कि ये आपके सर्च वॉल्यूम को बताता है। सर इसमें थोड़ी सी मुझे भी कंफ्यूजन है, ये जेएस जो फोर है, जेएस का जो अपॉर्चुनिटी स्कोर हो वो एटलीस्ट 4 हो, मींस के अपॉर्चुनिटी स्कोर उसका 1 to 8 होता है नॉर्मली, ठीक है। तो 1 to 8 में क्या होता है कि अगर वो अपना अपॉर्चुनिटी स्कोर 1 या 2 बता रहा है, तो इसका मतलब कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा, आप उसमें स्टेप इन नहीं कर सकते। जो आपका बैरियर जो है वो कट होता है वो यहाँ पे होता है कि आपको जब जेएस अपना अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो 4 बता रहा हो, एटलीस्ट जितना ऊपर बताएगा उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 4 लाजमी हो आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है सर। 15 पॉइंट है, एटलीस्ट रेवेन्यू फॉर यूएसए इसका 10,000 यूएसए यूएस डॉलर होना चाहिए एटलीस्ट पर मंथ। सर ये पर मंथ है? जी पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। प्रोडक्ट टायर स्मॉल लार्ज एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग, इसमें सर ने बताया था कि ये जो प्रोडक्ट टायर है इसमें स्टैंडर्ड पैकिंग होती है इसकी अमेज़ॉन की, क्या आपकी प्रोडक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो उसकी पैकिंग के स्टैंडर्ड को मैच करती है? इसके लिए यही है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन इस तरह की आ जाती है कि जिसमें आपको कोई अलग से शिपमेंट के लिए बॉक्स बनवाना पड़े अमेज़ॉन को, ठीक है। तो वो हम प्रोडक्ट्स जो है कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उनको अगर हम सेल करते हैं तो हमें अलग से FBA शिपमेंट के अगेंस्ट हमें FBA फी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है कि जो उसका प्रोडक्ट टायर हो, इट शुड बी स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज, जो कि अमेज़ॉन की तरफ से ऑफर हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एट लीस्ट 25% होना चाहिए आपका। सर ये भी पर मंथ होगा? जी बिल्कुल पर मंथ होता है ये आपका, कि आपका जो प्रोडक्ट सेल हो, जो आपकी सेलिंग प्राइस हो, वो एटलीस्ट आपको 25% आपको सेल, मतलब उसके हिसाब से आपको सेल करना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम मस्ट बी नॉट एक्सीड 15 days, इसका मतलब ये है कि आप जब आपने शिपिंग किए हैं फॉर एग्जांपल चाइना टू अमेज़न या किसी भी स्टोर कहीं से भी आप होलसेल में लेते हैं, मिनिमम उसका प्रोडक्ट, जी आवाज काफी फेंट आ रही है आपकी, आवाज कम आ रही है सर। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट अपने स्टोर में इनके आप मंगवाते हैं तो उसका कम से कम प्रोडक्शन टाइम 15 दिन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन होगा तो आप आउट ऑफ स्टॉक अगर हो गए किसी तरह और आपका प्रोडक्ट इन टाइम ना मेक हो सका, तो आप अपनी जो रैंकिंग है वो लूज कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 pounds or 1 pound से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो वेट हो वो 0.5 pound to 2 pound जो इसके ऊपर ना हो। जी जी, 0.5 pound से लेकर 2 pound से ऊपर ना हो। जी 2 pound से ऊपर ना जाएंगे, ठीक है जी। वेरी गुड आसिम। अच्छा जी कुरुतलैन जी, प्लीज आप क्राइटेरिया बताएं, थोड़ा प्लीज फास्ट बताइएगा कि क्राइटेरिया क्या है आपका यूएसए का कुरुतलैन। प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है यूएसए में वो ऑलमोस्ट $3 to $35 तक है, के बाद खर्च होती है यूएसए में वो 100+ हो, ठीक है।
और एवरेज स्केल जो होती है मिनिमम जो एवरेज स्केल होती है वो 400 प्लस होती है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट वो ये 400 प्लस क्या चीज है ये यूनिट्स है सर जी बिल्कुल आपके जो प्रोडक्ट के यूनिट्स हों वो एटलीस्ट 400 होने चाहिए सेल होने चाहिए ऑन एवरेज यूएसए में। उसके बाद सर जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं सही के दौरान यानी कि शिपमेंट के दौरान ये ना हो कि वो टूट जाए इस तरह कोई ग्लास या सिरेमिक जो होती है। उसके अलावा जो वेरिएशंस होती हैं ऑलमोस्ट वेल पहले तो वेरिएशन ना हो तो अगर हो तो 4 हो तकरीबन तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली हम जो मंथली सेल कर रही होती हैं वो टॉप लिस्टिंग में होती है जिन प्रोडक्ट की टॉप लिस्टिंग है। उसके बाद जो टॉप है ना जो स्टोर्स हैं उनमें 2 सेलर ऐसे हैं जिनकी 150 से कम रिव्यू हो। ठीक। उसके बाद जो होती है हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो ब्रांडेड ना हो या फिर अमेज़न के सेलर के सेंटर तक ना हो मतलब अगर वो इस तरह होगी तो सारे जो प्रोडक्ट वो अमेज़न खुद ले जाएगा उसके जो सेलर के कि इसमें ये चीज है ब्रांड डोमिनेंट ना हो। ठीक है मतलब वो प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक ब्रांड का डोमिनेंसी शो ना करे। सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे प्राइवेट लेबल में ब्रांडेड ही होते हैं। ठीक है आप भी अपना जब सेल करेंगे तो आप भी एज अ ब्रांड सेल कर रहे होंगे। ठीक है सर रिव्यू रेटिंग 4 हो 4 से ज्यादा हो और कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए और नॉन सीजनल हो हमेशा रहना चाहिए ये मतलब हर सीजन में हम उसको सेल कर सकें उस प्रोडक्ट को। ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट जो एलिजिबल होती है प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो एयर शिपिंग के काबिल हो या फिर ओशियन हो सके मतलब हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट है कि हमें सेकंड दूसरी फॉरेन चाहिए होती है तो उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट होते हैं फॉरेन तौर पे शिपिंग उसकी हो सके। हीलियम 10 पे जो सर्च वाली होता है वो 10,000 चाहिए अमेज़न पे और जेएस जो जंगल स्काउट होता है वो अबव 4 हो यानी कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी स्कोर जितना ज्यादा होगा सेल होगी तो वो 4 होना चाहिए और हमारे पास प्रोडक्शन का टाइम है वो 15 डेज से ज्यादा ना हो प्रोडक्ट की जो वेट है वो 2 LB तक चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन 25% के दरमियान होना चाहिए। ठीक वेरी गुड उसके अलावा वेट कितना होना चाहिए जी प्रोडक्ट का वेट 1 LB से ज्यादा ना हो और उसका जो पैकेजिंग टायर हो वो कैसा हो। पैकेजिंग टायर जो है ना जो अमेज़न ने हमारे ऑफरिंग की हुई है स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके मुताबिक हो मतलब के ना हो के प्रोडक्ट उस पैकेज से पूरे ना हो। जी इमरान जी सर जी इमरान एक और इमरान के नाम से भी यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है इमरान बिजी वो मैंने कंप्यूटर से ज्वाइन किया। अच्छा ठीक इमरान आप क्राइटेरिया बताएं मुझे यूएसए का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। सर सबसे पहले तो प्राइस का है कि वो जो उसकी प्राइस हो वो $15 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद जो उसका मंथली जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम उसका 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए यूएस के अकॉर्डिंग। और जो जी सर ये मर्चेंट वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम है ठीक है हीलियम हर टूल के हिसाब से सर्च वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होता है तो हम कह रहे हैं ये मर्चेंट वर्ड्स का सर्च वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट 1 लाख प्लस हो इन यूएसए। ठीक है सर ठीक है और जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताया उसमें जो प्राइस है हमारी वो $15 से एटलीस्ट $35 के बीच में होना चाहिए। ठीक है इससे कम और इससे ज्यादा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज
जी इमरान सॉरी सर म्यूट हो गया था और जो थर्ड पॉइंट है मिनिमम एवरेज सेल जो है वो 400 यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए और जो आपका प्रोडक्ट है वो ब्रेकेबल ना हो नहीं होना चाहिए मतलब वो ग्लास या सिरेमिक का नहीं बनाना चाहिए और जो उसकी वेरिएशन है जो वो लेस देन 4 होनी चाहिए मतलब उसके साइज या उसका जो भी है उसमें वेरियंट कम होने चाहिए और जो उसकी सेल है वो 5 लिस्टिंग में वो उसकी जो सेल है वो मंथली वो कांस्टेंट होनी चाहिए ना कि एक मंथ में बहुत ज्यादा हो गई जैसे सीजन सीजन में जैसे हो जाता है कि एक सीजन बहुत ज्यादा सेल हो गई या दूसरे में बहुत कम हुई और उसके बाद है कि जो टॉप 5 स्पॉट्स हैं उनमें जो 2 सेलर हैं वो उनके रिव्यूज जो होने चाहिए वो लेस देन 150 होने चाहिए और वो प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड या अमेजोन डोमिनेंट ना हो मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कोई फेमस ब्रांड हो या कोई सेलर है उसने वहां पे मतलब उसको डोमिनेंट किया हुआ है उस मार्केट को तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और जो रिव्यू रेटिंग है वो 4 से अबव होनी चाहिए अब टोटल जो अब तक की जितनी भी वो रेटिंग है वो 4 से उस प्रोडक्ट की अबव होनी चाहिए उसकी जो प्राइस है वो भी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ये नहीं है कि एक मंथ तो सीजन में उन्होंने बढ़ा दिए या नेक्स्ट मंथ वो उसको कम कर दिया उन्होंने और जो कंसिस्टेंट प्राइस में आप ये भी देखेंगे जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस और आपकी जो मतलब प्राइस है उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो ठीक है अगर कोई एक सेलर $13-15 का सेल कर रहा है कोई दूसरा सेलर $75-80 की सेल ना कर रहा हो ठीक है ये भी कंसिस्टेंसी में आएगी कि आपकी प्राइस जो है प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट हो ठीक है फ्लक्चुएट ना कर रही हो मंथली बेसिस पे भी और जो आपस में कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस ना शो कर रही हो ठीक है और उसके बाद है नॉन सीजनल होनी चाहिए एवरग्रीन प्रोडक्ट होनी चाहिए और एलिजिबल फॉर ओशन एयर शिपिंग मतलब उसको अगर किसी और कंट्री में भी अगर सेल करना है तो वो उसके भी काबिल हो के वो आसानी से वो एयर या ओशन शिपिंग के लिए एलिजिबल हो उसके बाद है हीलियम 10 में उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए यूएस के अकॉर्डिंग हीलियम सर्च हीलियम 10 के अकॉर्डिंग और जेएस जो है उसके मुताबिक उसकी जो रेटिंग है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए और एटलीस्ट रेवन्यू जो है वो यूएसए में $10,000 से ज्यादा होना चाहिए उसके बाद है प्रोडक्ट टायर उसका जो साइज है या उसका वॉल्यूम है वो स्मॉल या लार्ज जो अमेजोन ने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उसके मुताबिक होगा तो वो ज्यादा बेनिफिट है अगर उससे होगा तो फिर हो सकता है आपको वो कॉस्टली हो जाए वो इसकी स्टोरेज वगैरह तो उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एटलीस्ट 25% होना चाहिए पर मंथ और प्रोडक्ट जो उसकी प्रोडक्शन है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो उसका वेट है वो 2 पाउंड से कम ही होना चाहिए इससे ज्यादा ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा प्रॉफिटेबल होगा ठीक है जी वेरी गुड अच्छा जी नेक्स्ट ये गेस्ट के नाम से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कौन स्टूडेंट है जी ये जी आलिया अफसल आप प्लीज क्राइटेरिया बताएं एक दफा क्लास में जी सर सबसे पहले जो है ना इसकी प्राइस जो है वो $15-35 तक होनी चाहिए $15 ना हो और $35 से ज्यादा ना दूसरा जो है इसका मर्चेंट वर्ड पे जो इसका सर्च वॉल्यूम हो वो 100K मतलब 1,00,000 सर्चेस होनी चाहिए एटलीस्ट इसकी और मिनिमम एवरेज सेल्स जो है इस पर 400 यूनिट पर मंथ लाजमी तौर पे होनी चाहिए और प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि नॉन ब्रेकेबल हो जो इसकी वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट आप 4 वेरिएशंस कर सकते हैं जैसे साइज़ वगैरह या कलर्स वगैरह है इसमें आप ज्यादा वेरिएशंस ना हो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए
जो इसकी कांस्टेंट मंथली सेल्स है, जो टॉप फाइव लिस्टिंग में कांस्टेंट होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि जो टॉप सेलर है उसके पास ही सिर्फ सेल्स आ रही हैं, जो सेकंड पे आ रहा है उसके पास बहुत ज़्यादा देर बाद सेल्स निकल रही हैं। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि टॉप फाइव लिस्टिंग में हो, और इन टॉप फाइव स्पॉट्स में जो हैं एटलीस्ट टू सेलर जो हैं इनके पास 150 से लेस जो हैं रिव्यूज़ हो, ताकि हम वहाँ पर स्टैंड कर सकें। और प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड और अमेजन डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट ना हो के जो कि हमारा कंपटीटर कोई जो है फेमस ब्रांड हो या अमेजन खुद हो। उसकी रिव्यू रेटिंग जो है वो अबव 4 स्टार होनी चाहिए, और उसकी जो कांस्टेंट प्राइस है, प्राइस नॉट बी मोर देन और लेस देन, इतनी ज़्यादा ना हो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके तकरीबन मुताबिक ही हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। प्रोडक्ट शुड भी नॉन सीजनल, ऐसी हो जो कि हर सीज़न और एवर ग्रीन हो, ना कि किसी मौके मुनासिबत के हिसाब से सेल्स हो रही हो, क्योंकि जब वो मौका नहीं होगा तो सेल्स नहीं निकलेंगी। एलिजिबल हो एयर शिपिंग के लिए, कि अगर हमें अपनी इन्वेंट्री कॉल करनी पड़ती है, अगर हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो हमें वो ईजीली एयर शिपिंग से ईजीली हम अपनी इन्वेंट्री बुला सकें। हीलियम 10 का उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो अबव होना चाहिए 10,000, और जो जंगल स्कॉट है अपॉर्चुनिटी लेवल एटलीस्ट 4 होना चाहिए, 1 to 8 में से एटलीस्ट 4 पे हमारी प्रोडक्ट स्टैंड कर रही हो। उसका एटलीस्ट रेवेन्यू जो है वो 10,000 USD डॉलर्स होने चाहिए पर मंथ। और प्रोडक्ट टायर जो है वो अमेजोन का जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग, जो अमेजोन ने अपना एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग रखा हुआ है, उसके मुताबिक उसका होना चाहिए, ना तो इतनी ज़्यादा बड़ी हो कि हमें जो है एक्स्ट्रा से बॉक्सेस जो हैं उन पे कॉस्ट आए। जो बॉक्सेस वगैरह अमेजोन का स्टैंडर्ड साइज़ है उसके मुताबिक होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 25% इतना होना चाहिए, और प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो मस्ट बी एक्सचेंज इन 15 डेज, कि अगर हमें इन्वेंट्री कॉल करनी पड़ती है तो हमें वो 15 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ जाए, और उसका वेट जो है वो 2 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी वेरी गुड आलिया, वेरी वेल डन, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अक्सा मुबीन। यस सर, सर इसमें हम सबसे पहले जो कंसिडर करते हैं वो होती है प्रोडक्ट प्राइस, वो हमारी जो है वो $15 to $35 होनी चाहिए, लेस देन 15 नहीं होनी चाहिए, और जो है वो अबव $35 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम जो है वो मर्चेंट वर्ल्ड का सर्च वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, वो हमारा 100K जो है वो US के लिए होना चाहिए, और ये हम कंट्री सर्च वॉल्यूम कंसिडर होता है हमारा। और उसके बाद जो इसकी मिनिमम सेलिंग सेल्स हैं फॉर US के लिए, वो हमारी 400+ यूनिट्स होनी चाहिए। वेरिएशंस जो हैं वो हमारी मोर देन 4 नहीं होनी चाहिए, मीन्स के जो है ना वो हमारी 3 से नीचे इसकी वेरिएशंस होनी चाहिए, और वेरिएशंस में मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद हमारी जो कांस्टेंट मंथली सेलिंग है वो जो होती है ना टॉप 5 लिस्टिंग, उसमें हमारी कांस्टेंट हो सेलिंग्स होनी चाहिए। और जो हमारे 5 होते हैं ना स्पॉट, उसमें हमारे जो 2 कंपटीटर्स हैं वो एटलीस्ट इस तरह के हों जिनके रिव्यूज़ हैं वो लेस देन 150 होने चाहिए। और जो हम जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है वो किसी ब्रांड की नहीं होनी चाहिए, अमेजोन की नहीं होनी चाहिए, उसमें हम देख लें कि आया जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही जो सेलर है वो परचेज कर रहा है, या फिर मोर देन जो है ना वो सेलर उसको सेल कर रहे हैं अमेजोन पे। इसके बाद जो इसकी रेटिंग है वो हमारे पास अबव 4 होनी चाहिए, और जो हमारी प्राइजेज हैं इसमें मींस के जो हम कंपटीटर होते हैं उनकी जो प्राइजेज होती हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मींस के ये ना हो कि एक सेलर की प्राइस जो है वो $10 है और दूसरे की जो है वो 35 है या 50 है, मोर देन इस तरह से कुछ ये ना होना, ये नहीं होना चाहिए। और हमारी जो प्रोडक्ट जो हम लें वो हमारी ब्रेकेबल नहीं हो, मींस के ग्लास सामिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम चूज ना करें। नॉन सीजनल नहीं होनी चाहिए, मींस के एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफिक सीजन के लिए हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर लेट्स से एक हमारी प्रोडक्ट है हमारी वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेल हो रही है, तो हमें हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि अगर हम जो है वो ओशन नहीं बाय एयर हम उसको शिप करना चाहते हैं तो हम वो ईजीली कर सकते हैं।
और जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो सर्च वॉल्यूम है हीलियम 10 के अकॉर्डिंग वो हमारा 1000 से जो है ना वो प्लस होना चाहिए फॉर यूएस. JS का जो होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर वो हमारा लेस देन 4 होना चाहिए और जो इसमें रेवेन्यू है वो हमारा 1000 USD होना चाहिए USA में. जो प्रोडक्ट टायर है वो हमारा स्मॉल एंड लार्ज होना चाहिए, मींस के जो है वो जो एक क्रिटेरिया हमारा Amazon ने सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट टायर होना चाहिए. जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारे पास 25% होना चाहिए. जो प्रोडक्ट हमारी है प्रोडक्शन टाइम वो हमारा लेस देन या इक्वल टू 15 डेज होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. और जो हमारा इसमें वेट होता है वो हमारा लेस देन जो है ना वो 2 pounds होना चाहिए. जी वेरी गुड अक्षा, वेल डन. फरहा सबूर. जी सर अस्सलाम वालेकुम. इसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइस आ जाती है. प्राइस शुड बी $15 to $35 एट लीस्ट. मर्चेंट वर्ड जो है सर्च वॉल्यूम शुड बी 100K फॉर USA एंड मिनिमम एवरेज सेल शुड बी 400 प्लस यूनिट्स फॉर USA. इट शुड बी नॉन ब्रेकेबल. It should be non-breakable, should not be ceramic or glass, or variations should be more than 4, and constant monthly sales should be in top 5 listing. Variations should not be more than 4. Constant monthly sales should be in top 5 listing, should be spotted in top 5 listing, and 2 sellers must have less than 150 reviews, and should not be brand or Amazon dominated, and review rating should be above 4, and price should be a constant. It should be it should not be fluctuate monthly or between competitors, and should be evergreen and non-seasonal, eligible for ocean and air shipping, and helium 10 search volume should be 10,000, should be above 10,000, and should be above 4, and at least revenue should be $10,000, and product tire should be small and large standard, and profit margin should be 25%, and product production time should not be exceed more than 15 days, and the product weight should be 1.5 to 2 pound at least. Excellent, well done. Rania Amber. Thank you so much, sir. Yes, sir, assalamualaikum. Jee, waalaikum salam. Jee, please criteria bataiye aap USA ka. Main price aa jati hai, par price hogi 15 to 35 US dollar. Usme merchant word ka jo search volume hoga wo 1 lakh for US. Uske baad minimum average jo hogi uski 400 units. और प्रोडक्ट जो है वो नॉन ब्रेकेबल और वेरिएशन जो है 4 से ज्यादा ना हो. कांस्टेंट मंथली सेल जो है टॉप 5 में, टॉप 5 लिस्टिंग में जो है वो उसकी आए. उसके बाद टॉप इन टॉप 5 स्पॉट्स 2 सेलर मस्ट हैव लेस देन 150 और शुड नॉट बी ब्रांड और Amazon डोमिनेंट. रिव्यू रेटिंग अबव 4. डिफरेंट कंपटीटर है जो उनमें प्राइस जो है वो ज्यादा डिफरेंस ना हो. नॉन सीजनल प्रोडक्ट हो, मतलब एवरग्रीन जो एलिजिबल फॉर ओशन और एयर शिपिंग. हीलियम 10 में सर्च वॉल्यूम का 10,000 तक और JS उसका अबव 4 हो. एट लीस्ट रेवेन्यू जो है US 10,000. प्रोडक्ट टायर जो है वो उसका स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज जो हम Amazon जो है वो ऑफर कर रहे हैं वो ही होनी चाहिए. इसे जो है ना वो नहीं, दूसरा होना चाहिए.
प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 25%, प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम जो है वो 15 डेज हो, प्रोडक्ट नॉट बी मोर देन 2 पाउंड, यानी 0.5 पाउंड या 2 पाउंड से ज्यादा ना हो इसका वेट। जी वेल डन गानिया। हसीब तनवीर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हसीब प्लीज क्राइटेरिया यूएसए का बताइए। सर जो सबसे पहले वो प्रोडक्ट की प्राइस 15 से 35 होनी चाहिए। और सेकंड वाला है जो उसकी जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है वो 100K होना चाहिए। 100K प्लस ऑन मर्चेंट वर्ड्स, 100K प्लस ऑन मर्चेंट वर्ड्स। मिनिमम एवरेज सेल्स सर 400 यूनिट्स होनी चाहिए और नॉट ब्रेकेबल होना चाहिए। ग्लास यानी कि ग्लास और सेरेमिक ये नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेरिएशन 4 से ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। इसमें क्वालिटी आ जाती है, साइज आ जाता है। फिफ्थ वाला है कांस्टेंट मंथली सेल्स इनटू 5 लिस्टिंग्स। जी क्वालिटी इसमें नहीं आती वेरिएशंस में, आपकी साइज कलर डिजाइंस जो है ये वेरिएशंस में आता है। ठीक हो गया। और सेल्स जो आपकी हो वो टॉप 5 में आनी चाहिए, इससे ज्यादा जो आप सेल्स कर रहे हैं टॉप 5 में आनी चाहिए। और इस पे 150 से ज्यादा रिव्यू नहीं होने चाहिए और अमेज़न के अलावा वो किसी और ब्रांड की नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट। और उसके ऊपर जो रिव्यू रेटिंग है वो गलत बता रहे हैं आप। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आप अपने कंपेटिटर्स देख रहे हैं उनमें कोई कंपेटिटर जो है वो इटसेल्फ अमेज़न ना है आपके पास, और जो ब्रांड डोमिनेंसी है उसका ये मतलब कि कोई वर्ल्ड वाइड रिनोन ब्रांड आपके अगेंस्ट ना आ रहा हो। और अगर तो कोई रिनोन ब्रांड नहीं है, कोई ब्रांड रिपीटिशियसली आपके टॉप 10 लिस्टिंग में ना आए, अगर लेट्स से एक्स वाई जेड इज द ब्रांड वो टॉप 10 लिस्टिंग में रिपीटेडली अगर आ रहा है तो दैट शोज ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक हो गया। जो ब्रांड्स के ऊपर रिव्यू रेट और प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिव्यू रेटिंग है वो 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और कम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और प्राइस उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि इनकंसिस्टेंट ना हो। नॉन सीजनल शुड बी एवी ग्रीन एलिगेशन for occasion and air shipping. नहीं, वो evergreen product हो, mean के वो किसी specific period पे sell ना होता हो, मतलब के कोई Christmas का product ना हो या फिर किसी specific season से related ना हो, वो सिर्फ winters में sell हो सकता है, summers में sell हो सकता है। तो हमें ऐसे products देखने होते हैं जो कि evergreen हो, ठीक है, जिनकी demand all the time market में रहे, ठीक है, उन्हें हम evergreen products कहते हैं। और जो हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम है वो $10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डॉलर्स में नहीं होता, इट इज फिगर, इट इज 10,000 सर्चेस, ठीक है, ये सर्चेस होती हैं बेसिकली। कि जो हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है फॉर यूएसए इट शुड बी एटलीस्ट 10,000, के एटलीस्ट 10,000 लोग आके Amazon USA पे वो प्रोडक्ट जो है कम से कम टाइप कर रहे हो। ठीक हो गया। जेएस अबव 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, उसका पिटीशन कम ही रहना चाहिए। जी ये इसका जो फिगर है वो 4 और 4 प्लस हो तो अच्छा होता है, ठीक है, अगर 4 से कम होगा तो वो हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है। ठीक है सर। एटलीस्ट रेवेन्यू यूके एट 15,000 यूएसडी इन यूएसए। प्रोडक्ट कि जो टायर है वो स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 25% होना चाहिए। प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बनाने में जो लागत आती है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट सर उसका वो वेट जो है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। जी ठीक है जी, वेरी गुड।
किंजा तारिक जी सर प्रोडक्ट प्राइस शुड बी बिटवीन 15 to 35 मर्चेंट वर्थ सर्च वैल्यू शुड बी एट लीस्ट 100 के मिनिमम एवरी सेल जो है हमारी 400 के यूनिट पर मंथ होनी चाहिए कंसीडर नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट कंसीडर प्रोडक्ट विद लेस वेरिएशन कॉन्स्टेंटली सेल इन टॉप 5 लिस्टिंग इन टॉप 5 स्पॉट्स एट कंसीडर प्रोडक्ट दैट हैव एट लीस्ट 2 सेलर्स दैट हैव लेस देन 150 रेटिंग और शुड नॉट बी ब्रांड और अमेजॉन डोमिनेंट यू वी रेटिंग अबाउट 4 और कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए नॉन सीजनल प्रोडक्ट होनी चाहिए मीन्स कि एवरग्रीन हम जब भी चाहें वो प्रोडक्ट सेल कर सकें और एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपिंग होना चाहिए हीलियम 10 सर्च ठीक है कंटिन्यू रखें हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम जो हमारा 10,000 से अबव होना चाहिए और जो है हमारा JS अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है अबव 4 होना चाहिए और उसके अलावा जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन है वो उसका टाइम जो 15 डेज एक्सीड नहीं करना चाहिए और इसके अलावा प्रोडक्ट वेट जो है हमारा 2 पाउंड या जो आइडियल वेट है वो हमारा 0.5 होना चाहिए और इसके अलावा प्रोडक्ट टाइप जो अकॉर्डिंग टू अमेजोन स्टैंडर्ड होना चाहिए कम्प्लीट हो गया सर जी आप काउंट करें साथ साथ कितने पॉइंट्स हैं आपके टॉप 5 स्पॉट्स में 2 सेलर्स के रिव्यूज जो हैं स्पॉट में वो कितने हो कम से कम 2 एट लीस्ट इतने रिव्यूज 150 सम रिव्यूज होने चाहिए 2 सेलर्स के जी ठीक मोहम्मद काशिफ जावेद वेरी गुड किंजा मोहम्मद काशिफ जावेद जी सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम काशिफ प्लीज यूएसए का क्राइटेरिया पॉइंट्स आप प्लीज काउंट कीजिएगा साथ साथ जी सर जो फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट है उसमें आपकी जो प्राइस है वो $15 से $35 के दरमियान होनी चाहिए और जो पॉइंट 2 है उसमें जो मर्चेंट वर्ल्ड सर्च वॉल्यूम है वो यूएस के लिए 100 के कम से कम होना चाहिए ज़्यादा हो तो वो भी अच्छी बात है और पॉइंट जो 3 है वो मिनिमम एवरेज जो सेल है वो आपकी जो यूएस के लिए 4 यूनिट्स होने चाहिए और नंबर उसके बाद नंबर फोर पे आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉट ब्रेकेबल होना चाहिए मतलब ग्लास सिरेमिक वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए नंबर फाइव पे आता है इसमें जो आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है वो लेस देन 4 चाहिए ग्रेटर देन 4 नहीं होनी चाहिए उसके बाद नंबर 6 पे आपका आ रहा है जो आपकी कॉन्स्टेंट मंथली सेल एंड द टॉप लिस्टिंग जो टॉप लिस्टिंग है वो आपका वो 10,000 का रेवेन्यू मंथली वो लेके चल रहा हो उसके बाद नंबर 7 पे आ रहा है जो टॉप 5 स्पोर्ट्स है उसमें कम से कम 2 सेलर ऐसे हों जिनका जो रिव्यू है वो लेस देन 150 हो ताकि आप भी अपने प्रोडक्ट का रिव्यू इतना हासिल करके अपने प्रोडक्ट को अप कर सकें उसके बाद नंबर 8 है जो नंबर 8 में कुछ जो ब्रांड होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं नंबर 1 पे नंबर 2 पे नंबर 7 पे तो इस ये प्रोडक्ट इस ब्रांड की वजह से डोमिनेंट हो जाती है और जब ये डोमिनेंट हो जाती है तो आप जो प्रोडक्ट लेनी है आपने ये देखना है क्योंकि इस ब्रांड से रिलेट ना करें क्योंकि आपको सेल करना मुश्किल हो जाएगी उसके बाद नंबर 9 पे है जो आपके पास व्यू रेटिंग है वो अबव 4 होनी चाहिए मतलब 5 होनी चाहिए उसके बाद जो आपके पास नंबर 10 पे है वो जो है एक कांस्टेंट प्राइस होनी चाहिए अगर एक सेलर एक ही प्रोडक्ट $10 में भेज रहा है तो आपने वो प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा पैसे लगा रहे सिर्फ $1-2 का फ़र्क होना चाहिए उसके अलावा नंबर 11 पे है आपकी जो प्रोडक्ट है नॉन सीजनल होनी चाहिए मतलब हर सीजन में इसकी डिमांड होनी चाहिए और ये सीजनल नहीं होनी चाहिए उसके बाद नंबर 12 पे है जो आपके पास ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो इसमें ओशन और एयरशिप के लिए इजीली अप्रोचेबल हो ये एलिजिबल हो कि इसमें एयरशिप भी हो सके आसानी से एयरशिप भी हो सके और ओशन भी हो सके उसके बाद जो नंबर 13 है उस पर जो आपका हीलियम 10 रिसर्च वॉल्यूम है वो यूएस के लिए 10,000 कम से कम होना चाहिए उसके बाद जो नंबर 14 पे है वो जीएस मतलब जो आपका
सेल होने की अपॉर्चुनिटी है वो आपकी ग्रेटर देन फोर होनी चाहिए. अगर लेस देन फोर होगी तो इसमें आपके जो पास जो कंपटीशन होगा वो ज्यादा होगा लेकिन डिमांड कम है. अगर ग्रेटर देन फोर होगी तो आपके पास कंपटीशन वो कम है लेकिन डिमांड आपके पास ज्यादा है. उसके अलावा नंबर 15 पे है जो एटलीस्ट रेवेन्यू है यूएस का वो 10,000 यूएसडी में होना चाहिए. उसके बाद नंबर 16 पे है जो आपका प्रोडक्ट जो डिमेंशन है प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आए हैं उसकी डिमेंशन वो स्मॉल लार्ज और स्टैंडर्ड पैकेज जो अवेलेबल है जो मतलब स्टैंडर्ड है जो अमेजोन की तरफ से वही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ज़्यादा होगी तो आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी. उसके अलावा आपके पास जो प्रॉफिट नंबर 16 पे है जो प्रॉफिट मार्जिन है वो शुड बी एटलीस्ट 25% होना चाहिए. उसके अलावा नंबर 17 पे है जो आपके पास प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्ट की वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद नंबर 19 जो है वो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका जो वेट है वो मैक्सिमम 2 पाउंड होना चाहिए और मिनिमम 0.5 मतलब पाउंड होना चाहिए. थैंक यू सर. एक्सीलेंट काशी, वेल डन. मोहम्मद नदीम. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वह है प्रोडक्ट प्राइस. हमने प्रोडक्ट यूज़ करने की प्राइस जो है 15 से $35 के दरमियान में होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है मर्चेंट वर्ल्ड सर्च वॉल्यूम. ये हमारे पास जो है 100K से प्लस होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा इसकी सर्चिंग हुई हो. उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास मिनिमम एवरेज सेल जो है इसकी 400 यूनिट सेल जो है पर मंथ आपके पास सेल हुए हों. और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है वो ब्रेकेबल ना हो, यानी कि ड्यूरिंग शिप वो हमारे पास टूटे. उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास जिसकी वेरिएशन है वो लेस देन फोर होनी चाहिए, यानी इसकी डायमेंशन साइज कलर वगैरह के अंदर जो वेरिएशन हैं वो 4 से कम हो. उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट है कांस्टेंट मंथली सेल्स, यानी जो आपके पास उस प्रोडक्ट के 5 टॉप सेलर्स हैं उनके जो मंथली सेल्स हैं उनके दरमियान एक जो ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए. उसके बाद जो है आपके पास जो 5 टॉप सेलर्स हैं उनमें से मिनिमम 2 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके जो रिव्यूज़ आए हैं वो 1 से कम हों, ताकि आप उसको ईजिली अप्रोच करके उन टॉप 5 सेलर्स में जगह बना सकें. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास क्या कि जो प्रोडक्ट है वो जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं वो अमेजोन जो है इटसेल्फ या कोई फेमस ब्रांड है वो सेल ना कर रहा हो. उसके बाद जो है रिव्यू रेटिंग जो है वो आपके पास अबव 4 होना चाहिए. अगर अबव लेस देन 4 होगी तो इसका मतलब कि आपके पास जो रिटर्न रेट है वो ज़्यादा आ रहा है. उसके बाद प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट आप सेल करें अगर कोई और सेल कर रहा है तो जो प्राइस उसने रखी उसके साथ साथ आपकी प्राइस मिलती जुलती हो, यानी कि वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए. और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास नॉन सीजनल होनी चाहिए, यानी किसी की ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो सिर्फ एक स्पेशल इवेंट पे या एक स्पेशल सीजन में ही सेल होती हो. उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट है उसकी जो शिपिंग है वो बाई एयर भी हो सके और बाई ओशियन भी हो सके, यानी अगर आपको स्टॉक आपका आउट हो रहा है आपको जल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमारे पास बाई एयर शिपिंग आप उसको मंगवा सकें. उसके बाद है हीलियम सर्च वॉल्यूम है वो आपके पास होना चाहिए 10,000 से ज़्यादा उसकी सर्चिज हुई हों हीलियम 10 के जरिए. और JS जो जंगल स्कोर स्कोर है वो आपके पास अबव 4 होना चाहिए. अगर लेस देन 4 होगा इसका मतलब है कि उस जो आपके पास जो कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड के कम है. उसके बाद जो है आपके पास रेवेन्यू जो है उस प्रोडक्ट का वो हमारे पास US के अंदर वो $10,000 जो है वो होना चाहिए. प्रोडक्ट टायर यानी उसकी जो पैकेजिंग है आपने ऐसी चूज़ करनी है उसकी डिमेंशन ऐसी हों कि जो आपके पास स्टैंडर्ड पैकेज दिया हुआ है अमेजोन ने मतलब डिमेंशन बताई हैं उसके मुताबिक होना चाहिए. अगर उसके आगे पीछे डिमेंशन होंगी तो फिर उसको जो पैकेजिंग है वो दोबारा उनको तैयार करनी पड़ेगी, जिसकी आपको अलग से कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपने जो है अपनी प्रोडक्ट वो मिनिमम जो है 25% आपने रखना है. और जो इसकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन यानी जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 15 दिन से ज़्यादा ना हो. जो सप्लाईर है वो आपको 15 दिन से पहले सप्लाई कर दे ताकि जो आपका स्टॉक है वो आउट ना हो. उसके बाद है प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन उसका जो वेट है वो 2 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास. जी सर. जी वेरी गुड वेरी गुड. रफाकत अली.
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सॉरी, उजैर नदीम, उजैर नदीम का हो गया आपका? जी सर। उजैर नदीम। जी सर। जी उजैर, पहले आप बताएं, रफाकत आप नेक्स्ट बताइएगा प्लीज। सर जो प्राइस है वो होनी चाहिए 15 US डॉलर से लेके 35 US डॉलर तक, और जो सर्च वॉल्यूम है MW का वो 100,000 होना चाहिए फॉर यू, और जो मिनिमम एवरेज सेल्स हैं वो 400 यूनिट्स होनी चाहिए फॉर US, और प्रोडक्ट शुड बी नॉन ब्रेकेबल, ग्लास और सिरेमिक के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, जो वेरिएशन है वो शुड बी लेस देन 4 होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट मंथली सेल्स इन द टॉप 5 लिस्टिंग्स, मतलब कि जो टॉप 5 सेलर्स हैं उनकी सेल्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, इन टॉप 5 स्पॉट्स 2 मस्ट हैव लेस देन 150 रिव्यूज अगेंस्ट द प्रोडक्ट, शुडंट बी ब्रांड और अमेज़न डोमिनेंट, रिव्यू रेटिंग अबव 4 होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए, जो प्राइस है वो ज़्यादा जो है वेरी ना कर रही हो दूसरे कॉम्पिटिटर से, प्रोडक्ट शुड बी नॉन सीजनल एंड शुड बी एवरग्रीन, एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपिंग, हीलियम 10 सर्च शुड बी फॉर US शुड बी अबव 10,000 सर्चेस, जंगल स्काउट अपॉर्चुनिटी स्कोर शुड बी अबव 4, at least revenue for US is 10,000 US dollars, product tire should be small or large according to Amazon standard packaging, profit margin should be at least 25%, product production time should not must not exceed by 15 days taki agar inventory kam ho jaye to jaldi recall ho sake, product shouldn't be more than 2 pounds जो उसका वेट है वो 2 पाउंड से ज्यादा ना हो, 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड उजैर। रफाकत अली, अच्छा इसमें आपने एक वर्ड यूज किया रिकॉल, इन्वेंट्री रिकॉल नहीं होता, आपकी इन्वेंट्री रिप्लेनिश होती है ये, ठीक है। इन्वेंट्री रिकॉल का मतलब है कि आप अमेज़न से अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवा रहे हैं, ठीक है, इसको आप रिप्लेनिश कह सकते हैं। अच्छा मोहम्मद उजैर नदीम, वेल डन। रफाकत अली, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी प्लीज रफाकत, क्राइटेरिया जी। पहले नंबर पे सर प्राइस है, प्राइस अबव 15 से लेकर 35 डॉलर तक होनी चाहिए, मर्चेंट वर्ल्ड सर्च वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट 100 के जड़ाना होना चाहिए सर, मिनिमम एवरेज सेल है वो 400 पर यूनिट होनी चाहिए, नॉट ब्रेकेबल होना चाहिए, ग्लास सिरेमिक वगैरह, वेरिएशन जो है लेस देन 4 होनी चाहिए सर, कांस्टेंट मंथली सेल जो इन टॉप 5 लिस्टिंग नंबर 7 इन टॉप स्पॉट 2 सेलर मस्ट हैव लेस देन 150 रिव्यू सर, नंबर 9 है जी रिव्यू, सॉरी नंबर 8 है सर, should not be brand or Amazon dominant, number 9 a review rating above 4, consistent price, number 10, number 11 a non seasonal, should be evergreen honi chahiye sir, number 12 eligible for ocean and air shippings, number 13 helium 10 search volume jo hai US above 10,000 honi chahiye search volume, जंगल स्काउट में सर एटलीस्ट 4 अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, नंबर 15 है जो सर एटलीस्ट रेवेन्यू इन US डॉलर पर मंथ 10,000, प्रोडक्ट टाइप स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज होना चाहिए सर, प्रॉफिट मार्जिन शुड लेस शुड बी एटलीस्ट 25% पर मंथ होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम जो सर एक्सीड 15 डेज से नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 पाउंड, वेट जो इसके ना 2 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। जी रफाकत,
जो उसका वेट हो वो कितना हो? सर टू पाउंड से ज्यादा, 2 पाउंड से ज्यादा नहीं होता। ठीक है जी, वेरी गुड। राजिया तारिक, राजिया तारिक जी। सर सर पहला पॉइंट है सर कि प्राइस इन बिटवीन 15 USD to 35 USD। नंबर टू है मर्चेंट वर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है 100 की होना चाहिए। नंबर थ्री है हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए मिनिमम। और नंबर फोर है जंगल स्कॉट का सर्च वॉल्यूम अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी स्कोर इसका 4 होना चाहिए। नंबर फाइव जो है कांस्टेंट प्राइस होनी चाहिए इसकी, वेरिएट ना करती हो बार बार। नंबर सिक्स है मंथली जो प्राइस है इसकी टॉप फाइव के जो सेलर्स हैं उनकी देखी जाएगी और जो है वो वेरिएट ना करी हो मंथली जो प्राइस होती है, मंथली सेल सॉरी। नंबर सेवन जो है टू सेलर्स ऐसे होने चाहिए टॉप फाइव के अंदर या टॉप टेन के अंदर, नहीं सॉरी टॉप टू, नंबर 10 के अंदर टू सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी 150 से लेस देन 150 रेटिंग होनी चाहिए रिव्यूज, ठीक है। और नंबर 8 है कि ब्रांड और अमेज़न दोनों की डोमिनेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 9 जो है रिव्यू रेटिंग अबव 4 होनी चाहिए। 10 है नॉट सीजनल और सीजनली होनी चाहिए, एवरग्रीन होनी चाहिए प्रोडक्ट। नंबर 11 है एलिजिबल होनी चाहिए ओशन और एयर शिपिंग दोनों के लिए। नंबर 12 है एटलीस्ट रेवेन्यू जो मंथली होता है 10,000 USD टॉप 10 जो सेलर्स हैं उनका होना चाहिए। नंबर 13 जो है प्रोडक्ट टायर जो है स्मॉल और स्टैंडर्ड दोनों पैकेजिंग की होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अमेज़न को हमें दोबारा से पे करना पड़े एक्स्ट्रा। नंबर 14 है प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो हमें 25, हमारा मिनिमम 25% हम लोगों ने मार्जिन किया हुआ हो। नंबर 15 जो है साइज होना चाहिए 2 पाउंड जो है मैक्सिमम और 0.5 मिनिमम होना चाहिए। नंबर 16 जो है प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन का जो टाइम है 15 days होना चाहिए। और उसके बाद सर 17 है कि ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट को। नंबर 18 है मिनिमम जो है 400 जो यूनिट्स है वो पर मंथ सेल हो रहे हो। नंबर 19 है कि वेरिएशन 4 होनी चाहिए, लेकिन अगर वेरिएशन नहीं है तो वेल एंड गुड है। हो गया सर, थैंक यू। एक्सीलेंट राजिया, वेल डन। अच्छा राजिया के बाद है जी सादिया अब्बास। क्राइटेरिया फॉर सेल इन ऑन अमेज़न USA। सर सॉरी मेरी आवाज खराब हो गई क्योंकि मुझे बुखार है, सो मैं पढ़ देती हूँ जो कुछ आपने याद करवाया। सेलिंग प्रोडक्ट प्राइस 15 to 35, मर्चेंट वर्ड सर्च वॉल्यूम एट लीस्ट 100K+ होना चाहिए। मिनिमम एवरेज सेल जो है वो 400+ प्रोडक्ट यूनिट होनी चाहिए। नॉट चूज ब्रेकेबल ग्लास और केरमिक, मतलब ऐसी प्रोडक्ट नहीं चुननी चाहिए जो कि जिसमें नुकसान का खदशा हो, टूट जाने का या फिर एक्सपायर हो जाने का जल्दी खदशा हो। वेरिएशन 4 डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन कलर्स अबव 4, इट विल बी कॉस्टली फॉर सेलर। कांस्टेंट मंथली सेल्स इन टॉप 5 लिस्टिंग, इन द टॉप 5 स्पॉट्स टू सेलर्स मस्ट हैव 150 रिव्यूज, नॉट 5000 रिव्यूज एंड एक्स्ट्रा। The price must reflect consistency. Our product price must have consistency and have not a large difference between prices with the competitors. Don't choose these brands or products that are selling under dimension of Amazon or brands. Review rating must above the 4. Consist price होनी चाहिए। चूज नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एवरग्रीन प्रोडक्ट मस्ट बी चूजन बाई अस। एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपिंग, ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए जो कि बाई समंदर के जरिए भी भेजी जा सके और बाई एयर भी उनकी शिपमेंट की जा सके। सर्च वॉल्यूम बाई हीलियम 10 फॉर द USA अबव 10,000। जंगल स्कॉट अपॉर्चुनिटी स्कोर अबव द 4, एट लीस्ट रेवेन्यू $10,000। द USA प्रोडक्ट देयर स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेजेस, पैकेजिंग उनकी जो है वो स्मॉल और लार्ज नहीं होनी चाहिए बल्कि दरमियानी होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 25% होना चाहिए। प्रोडक्शन टाइम मस्ट नॉट बी एक्सीड 15 days एंड प्रोडक्ट वेट मस्ट बी होना चाहिए 2 IB ज्यादा से ज्यादा और 2.5 LB हो तो ये बेस्ट। जी एक्सेलेंट सादिया, वेल डन। साइका मकबूल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी साइका प्लीज क्राइटेरिया बता दें। प्राइस 35
15 से 35 तक होने चाहिए. उसके अलावा मर्चेंट सर्च वॉल्यूम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और वेरिएशन जो है वो 4 से ज़्यादा ना हो. और उसके अलावा है और जो प्रोडक्ट है एवरग्रीन होनी चाहिए और जो टॉप 5 सेलर्स हैं उनमें से एटलीस्ट 2 ऐसे होने चाहिए जिनके व्यूज 150 से लेस देन हो और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस ना हो. उसके अलावा उनके जो है वो अमेज़न या फिर उसके साथ जो ब्रांड है उसके साथ इनका कंपटीटर ना हो क्योंकि उसमें हमें मसला हो सकता है बाद में. और हीलियम जो वॉल्यूम है इसका 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए और जो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए. उसके अलावा जो वेरिएशन शुड नॉट मोर देन फोर से कम. उसके अलावा प्रॉफिट जो है वो 25% एटलीस्ट 25% होना चाहिए और जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जी साइका, कंप्लीट हो गया आपके पॉइंट्स? जी सर. वेल डन. सना अफजल. अस्सलाम वालेकुम सर. यूएसए प्रोडक्ट 100.1 प्राइस शुड $15 लेस देन $35. 0.2 मर्चेंट वर्ड वॉल्यूम सर्च शुड अबव 100 के 1 लाख. 0.3 मिनिमम एवरेज सेल should above 400 unit. 0.4 not breakable products like glass. 0.5 variation should be less than 4 like as color, size, design, etc. 0.6 constant monthly selling review in top 5 listing. 0.7 in top 5 spots at least 2 seller must have less than 150 review. 0.8 should not be brand or Amazon dominant. 0.9 above 4. 0.10 constant price. 12 eligible for ocean and air shipping. And 0.13 helium tensor should be above 10,000. 0.14 jungle scout should be above 4. 0.15 at least revenue should be above 10,000. 0.16 product tire should be small and large standard packaged. 0.17 profit should be at least 25% and 0.18 product production should not be exceed more than 15 days. 0.19 product weight should be not more than 0.5 pound and 2 point. Yes, sir. Well done, Sana. Suhail Islam. Suhail Aslam, sorry. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. Ji, Suhail, please, criteria aap bataye. Ji, sir, price jo hona chahiye wo 15 se $35 ke darmiyan hona chahiye. Aur merchant world ki search volume hona chahiye 100K plus. Aur minimum average sale honi chahiye 400 प्लस यूएस के लिए. नॉट ब्रेकेबल होना चाहिए. ग्लास और सेरेमिक वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए. वेरिएशन 4 से कम होनी चाहिए. कांस्टेंट मंथली सेल्स इन टॉप 5 लिस्टिंग होनी चाहिए. इन टॉप 5 स्पॉट्स 2 सेलर जो उनके 150 से कम रिव्यूज हों. शुडंट बी ब्रांड और अमेज़न ब्रांड नहीं होना चाहिए. रिव्यू रेटिंग 4 से ज़्यादा होनी चाहिए. अपना कंसिस्टेंट होनी चाहिए. प्राइस नॉन सीजनल होना चाहिए. एवरग्रीन होना चाहिए. एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपमेंट. हीलियम 10 की सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए.
जेएस जंगल स्काउट की चार से ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट रेवेन्यू 10,000 होना चाहिए, प्रोडक्ट टायर होना चाहिए स्मॉल लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज और प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए, प्रोडक्शन टाइम मस्ट नॉट एक्सीड प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 LB और 0.5 LB। जी वेरी गुड सुहेल। उस्मान अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। उस्मान प्लीज क्राइटेरिया बता दें यूएसए। जी प्राइस क्राइटेरिया, जी प्रोडक्ट का प्राइस होनी चाहिए 15 से 35,000 के दरमियान होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम जो है जी मर्चेंट वर्ल्ड का वो 100K+ होना चाहिए। मिनिमम एवरेज सेल्स जो है वो 400 यूनिट्स होनी चाहिए। नॉन ब्रेकेबल होनी चाहिए प्रोडक्ट आपकी, ग्लास या सिरामिक ना हो। वेरिएशन जो है जी वो लेस देन 4 वेरिएशन होनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली मंथली सेल्स होनी चाहिए टॉप 5 सेलर्स की। इस तरह ना हो कि एक सेलर 50,000 सेलर की सेलिंग कर रहा है और दूसरा जो है जी वो 12,000 US की कर रहा है। सेम होनी चाहिए कि 50 से 48 या 47,000 के दरमियान होनी चाहिए। टॉप सेलर्स जो दो ऐसे टॉप सेलर्स में होने चाहिए जिनके रिव्यूज लेस देन 150 हो, ब्रांड या अमेज़न डोमिनेट नहीं होनी चाहिए, रिव्यू रेटिंग अबव 4 होनी चाहिए, कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए, एलिजिबल फॉर ओशन एंड एयर शिपिंग होनी चाहिए, एवरग्रीन प्रोडक्ट होनी चाहिए, नॉन सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। मिलियन टन का वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से अबव होना चाहिए। जंगल स्काउट का जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो मोर देन 4 होना चाहिए। एटलीस्ट रेवेन्यू जो है जी US 10,000 होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है जी वो शुड एटलीस्ट बी 25%। प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम मस्ट नॉट एक्सीड 15 days। प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 pounds और जो प्रोडक्ट टायर है वो अमेजोन स्टैंडर्ड के मुताबिक होना। जी एक्सीलेंट उस्मान अली, एक्सीलेंट। आई होप क्लास तमाम स्टूडेंट्स को ये क्राइटेरिया अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके जो पॉइंट्स हैं ये। जी सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं स्टाफ पे चली गई, सबसे पीछे रह गई हूं। आमना उरूज जी। सर जी आप भी बता दें कि साथ में। सर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 15 से 35 डॉलर के बिटवीन होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिसर्च वॉल्यूम जो मर्चेंट वर्ल्ड रिसर्च वॉल्यूम है वो 100K होना चाहिए यूएसए के लिए। मिनिमम एवरेज सेल जो है वो हमारे पास 400+ होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट है वो ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, मतलब शीशे या क्ले वगैरह का नहीं बनाना चाहिए, ग्लास सिरेमिक का। वेरिएशन साइज या कलर में वो लेस देन 4 होनी चाहिए और कॉन्स्टेंट मंथली सेल जो है वो हमारे पास टॉप 5 लिस्टिंग में होनी चाहिए। इन टॉप 5 स्पॉट 2 सेलर, मतलब दो जो सेलर हैं उनके कम से कम रिव्यू लेस देन 150 होने चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसी भी ब्रांड या अमेज़न से डोमिनेट नहीं होना चाहिए। रिव्यू रेटिंग हमारी अबाव 4 होनी चाहिए। कंसिस्टेंस प्राइस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेलर की बहुत ज़्यादा और एक सेलर की बहुत कम हो। नॉन सीजनल प्रोडक्ट होना चाहिए, एवरग्रीन होना चाहिए, एलिजिबल फॉर ओशन एयर शिपिंग के लिए, मतलब हम उसको एयर शिपिंग में या ओशन के लिए उसको शिप करवा सकें। सर्च वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इसका होना चाहिए हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 होना चाहिए और जंगल स्कोर्स का अबाव 4 होना चाहिए। और हमारे पास इसके जो रैनी व्यू है वो तकरीबन 15,000 तक होनी चाहिए और प्रोडक्ट टाइप जो है वो स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड पैकेज होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 25% होना चाहिए और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन टाइम है वो 15 days से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट का साइज है वो 2 LB या फिर 0.5 LB तक होना चाहिए। एक्सीलेंट एंड वेल डन क्लास। आई होप कि जी तमाम स्टूडेंट्स को क्राइटेरिया जो है ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो चुका होगा अब तक। और स्टिल आई लास्ट स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम के जी आप क्राइटेरिया बताएं यूएसए का, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द बिजनेस और तमाम बिजनेस आपके प्रोडक्ट रिसर्च से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेटर ऑन इंशाल्लाह हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। टुडे इज फ्राइडे,
हैप्पी फ्राइडे, हैव अ ब्लेस्ड वन, टेक केयर एवरीवन, इंशाल्लाह वी विल रीजॉइन टुमारो एट 10. और तमाम स्टूडेंट्स प्लीज अपने एंड पे प्रॉक्सी मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यूस रखें. इफ यू गेट एनी रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस, इफ यू गेट एन ऑर्डर, डू मेंशन मी इन द ग्रुप चैट, ठीक है. और प्लीज जो आज हमने क्लास की स्टार्ट में डिस्कशन किया, आई होप कि कोई भी स्टूडेंट दोबारा ऐसा ही कोई मिस्टेक नहीं करेगा. टेक केयर एवरीवन, इंशाल्लाह वी विल रीजॉइन टुमारो एट 10. अल्लाह हाफिज़. सर प्लीज क्वेश्चन है सिर्फ 1 मिनट का. जी जी बोले सर. मैंने ये पूछना था कि जो हम टूल्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सर ये हम एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एक ने परचेज किया तो वो एक ही बंदा जो है ना वो यूज कर सकता है? मोस्टली टूल्स शेयर्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं टूल्स के, वो कभी इस तरह अलाउ नहीं करते कि जी एक टूल जो है वो मल्टीपल लोग जो है वो साथ में ले लें, ठीक है. तो नॉर्मली वो चार्ज करते हैं आपसे 4,000-5,000 dollars के बीच में आपको ये सारे टूल मिल जाता है. अगर आप कोई सिंगल टूल लेते हैं, हीलियम लेते हैं, तो वो आपको कंपैरेटिवली मतलब 15-20 dollars के बीच में मिल जाता है. तो हम देखेंगे जी क्लास में डिफरेंट टूल प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास, उन टूल प्रोवाइडर्स से हम इस तरह से कॉन्टेक्ट करेंगे कि जी हमारे पास क्लास में तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को टूल रिक्वायर्ड है, तो वो हमें जब क्लास हमारे साथ डील करे तो वो कंपैरेटिवली मार्केट से कम प्राइस पे डील करे. और क्लास में हम इस तरह कर लेते हैं कि आप अपना रिसर्च टाइम रख लें कि जी अगर दो स्टूडेंट्स मिलके एक टूल परचेज कर रहे हैं तो हाफ टाइम आप अपना रख लें, हाफ टाइम दूसरा स्टूडेंट रख लें, तो आप अपने एंड पे जो है वो रिसर्च जो है वो कंटिन्यूस रख सकें, ठीक है. तो ये इंशाल्लाह हम किस तरह से टूल्स परचेज करें. तो टूल्स परचेजिंग के लिए देखें, आई वुड सजेस्ट के earn money from proxy marketing, ठीक है. आप लोग बिल्कुल कोई अपनी पॉकेट मनी से या फिर अपने एंड से कुछ इन्वेस्ट नहीं करें, आप लोग प्रॉक्सी मार्केटिंग से अर्न करें, और एटलीस्ट इतना लाजमी अर्न कर लें कि आप अपने एंड पे शेयर टूल्स परचेज करें. सर इंस्टा पे मेरी कुछ पोस्ट जो है ना वो मतलब मैं करती हूँ तो हो जाती हैं अपलोड, कुछ एक मिनट एक सेकंड के लिए अपलोड होती हैं लेकिन फिर गायब हो जाती हैं. जी आवाज़ नहीं आ रही. नॉर्मली इस तरह के इश्यूज आते नहीं है. आप अपने एंड पे अपना ब्राउजर या फिर मोबाइल चेक कर लें, किसी घर के दूसरे मोबाइल से अपलोड करके देख लें आप. सर मेरा भी यही इशू आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है. किसी ने परचेज किए, कुछ हैशटैग्स रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं. जी जी उसके अकॉर्डिंग कुछ हैशटैग्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं आपके लिए. तो हैशटैग्स आप देखें मतलब यूनिक, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा यूनिक यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आते हैं. आप ऐसे हैशटैग्स यूज करें जो कि मार्केट में रनिंग चल रहा है. ठीक है सर, हम चेक कर लेंगे. थैंक यू. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच सर. I love you, sir.